लोफर कहीं के, बदतमीज, घर में माँ बहन नहीं है लगता है। दुपट्टा दे। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, हाथ तो पूछने दे। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो पता है ना क्या होगा। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो जुबान ज्यादा चल रही तेरी, समझती क्या है तू? ए शुरू करो। और जब हाथ पहुँचो तो इसके कपड़ों से अच्छे से पहुँचना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ो, हटो। लोफर, उसी वजह से उन लोगों ने मुझे और मेरे कलीग रघु को बस स्टैंड पर, देख तो जरा, बस स्टैंड पर खड़े होकर रोमांस कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। कौन हो तुम लोग? तेरी तो इधर तो ज्यादा फड़फड़ा मत, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? देखो फ्रेंड्स, इन दोनों के चेहरों को देखो, ये हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये लोग तुम्हारे एरिया में दिख जाएं तो क्या करोगे? चप्पल से मारना, चप्पल से, चप्पल से मारना। बताता हूँ तुझे अभी, चल दिखाओ वो कौन है मुझे। फूल, 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 फूल। अरे नालायक, क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों रे बुढ़ो, फर्स्ट नाइट के लिए फूल बेच रहा है क्या? क्या हुआ बेटा, फूल क्यों खराब कर रहे हो? गुरु, ये बुड्ढा तो तुमको बेटा बोल रहा है। ये बता बुड़ा, मेरे जैसे लड़के को पैदा करने की ताकत है तुझ में? Oh!
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः यतैनास्तु न पूजन्ते सर्वस्तत्र पलः क्रियः। मैं हूँ धर्मा। सब लोग घर में बड़े होते हैं, लेकिन मैं बड़ा हुआ हूँ स्कूल में, जिसे आश्रम कहते हैं, और वो भी अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम मतलब अनाथ लोगों के रहने की जगह, और वहाँ सारे बच्चे अनाथ ही होते हैं। अनाथ मतलब जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। हम लोग उनसे पैदा हुए हैं जो शायद समय से पहले माँ बाप नहीं बनना चाहते होंगे। हमारे माँ बाप नहीं थे, इसलिए लोग हम पर बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाते थे, लेकिन ऐसा क्यों, ये तो मैं कभी समझ नहीं पाया। बच्चों, भगवान ने हम सबको इस धरती पर भेजा है तो ज़रूर ही कोई न कोई कारण होगा, लेकिन लोगों ने ये बात अभी तक समझी ही नहीं। बस ऐसे ही आए, जिए और अपनी जिंदगी मौज मस्ती में निकाल दी। लेकिन तुम लोगों को अपना एक अलग इतिहास बनाना है। तुम लोग इस दुनिया को दिखा दो कि तुम लोग भी बड़े इंसान बन सकते हो। अरे टाइम हो गया, बच्चों को खाने के लिए बुलाना होगा। धर्मा क्या देख रहा है तू? मणि मामा, सबके पैर हैं, फिर भी वो लोग कार में क्यों घूमते हैं? बेटा बात ये है कि पैरों पे चलने वाले को इंसान कहते हैं और कार में घूमने वाले को बड़ा इंसान कहते हैं। सारे बच्चों की तरह मैं भी था, लेकिन मेरा दिल सारे बच्चों की तरह नहीं था। हम सारे मिलकर अभी 7 लोग हैं, 3 लोग चोर बनेंगे और 4 लोग पुलिस बनेंगे। पुलिस कौन बनेगा और चोर कौन बनेगा? मैं तो चोर बनूंगा। मैं पुलिस बनूंगी। मैं चोर बनूंगा। मैं पुलिस बनूंगी। तू क्या बनेगा धर्मा? मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। अरे यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा हुए हैं? क्या बात है? तुझे पता नहीं है क्या, यहाँ एक बहुत बड़े इंसान आने वाले हैं। हमारे अनाथालय में आज एक बहुत बड़े इंसान आने वाले हैं। अच्छा, मतलब मुझे आज उसको देखना ही होगा। कार में घूमने वाला बड़ा इंसान बनना है, ऐसा मैंने बचपन में फिक्स कर लिया था। सारे लोग मेरे इस फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन एक लड़की थी जो मेरा मजाक उड़ाती थी। ए बड़े इंसान, यहाँ पर आ, उस पेड़ पर मेरी पतंग फंस गई है, उसे निकाल कर दे दे। अरे वो तो बहुत ऊपर है, किसी बड़े इंसान को बोलो वो निकाल देंगे। तू ही कहता है ना कि मैं बड़ा इंसान बनूंगा और दांत निकाल कर हंसता है, मेरी पतंग निकाल। हाँ। अब चुप क्यों हो गया? अरे इससे दूरी रहना अच्छा होगा। उसे देखकर बहुत जोरों से गुस्सा आता था, लेकिन वो बहुत ही छोटी थी। लेकिन एक दिन मैंने उससे मजाक करने के लिए दोस्ती कर ली। ए, दे, दे, दे ना, दे, नहीं तो बात नहीं करूंगी। दे, 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 अरे ना, क्या हो गया इसे? दे ना, दे, दे, दे ना, दे, दे ना, दे, दे ना, दे ना। ऐसा लगता है ये तो खून ही पी जाएगी। जाएगी है, सच में खून पी जाएगी। एक दिन एक बड़ा परिवार आया और उसे कार में लेकर चला गया। मैंने उसे आखिरी बार देखा था और उसके बाद वो कहां चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरा नसीब भी अच्छा ही था, थोड़े दिन बाद एक और बड़ा इंसान आया और उसने मुझे गोद ले लिया। आश्रम में 10 बच्चे एक साथ रहते थे, लेकिन यहां पर ये 10 रूम मेरे अकेले के लिए ही थे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं, और उसी समय मुझे जिन लोगों ने गोद लिया था उनकी फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से बहुत से लोग मर गए थे। कोर्ट ने हमारी ही गलती बताकर हम पर बहुत बड़ा फाइन लगा दिया। उसे चुकाने के लिए हमारी प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ बिक गया, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पाया। जो घर था वो भी चला गया, और आखिर में सब कुछ खोकर नई जिंदगी को ढूंढते हुए
उस महल से हम स्लम में आ गए, लेकिन कोर्ट केस तो अभी तक चल ही रहा है। बस यही है मैडम मेरी अब तक की लाइफ। आपकी स्टोरी तो बहुत कमर्शियल है, लेकिन बड़े इंसान बनने का सपना अब भी वैसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल, बेटर देन बिफोर। शांति से बैठने वाली बात ही नहीं है। आपके सारे बड़े सपनों के लिए बेस्ट ऑफ लक धर्मा जी। थैंक यू। ओके, तो ये थी फ्रेंड्स धर्मा जी की कहानी। इसी तरह कल किसी और एरिया में किसी और इंसान की कहानी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए राज म्यूजिक हिंदी। हैवी है गुरु, तेरा फ्लैशबैक हैवी है। अभी तेरे घर का सिचुएशन उस रेंज पे नहीं है, फिर भी तूने एटीट्यूड नहीं छोड़ा, बहुत ही सुपर है। शिष्य, पहले गरीब बनकर जीना तो आम बात थी, लेकिन अभी गरीब बनकर जिएंगे तो अपराध होता है। सही कहा। 30 रुपए का पेट्रोल डालकर आगे चलते हैं, और ढला नहीं तो पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी ऑफ कर देते हैं। दारू लेने के बाद कबाब लूं या नहीं लूं, ये हम 100 बार सोचते हैं, और रास्ते पर अगर कोई कड़क लड़की आ जाती है तो हमारे रेंज में नहीं आएगी, जाने दे यार, ऐसा कहकर जीना। अबे हमारे पास एक ही जिंदगी है, पैर पर चलने वाला इंसान कहलाने से अच्छा कार में घूमने वाला बड़ा इंसान बनना है। वाह, सुपर गुरु, सुपर गुरु, हैवी गुरु। बड़ा इंसान बनकर ही जीना है और बड़ा इंसान ही बनकर मरना। शिष्य, तेरी वाली आ गई। अबे आ गई आ गई आ गई, गोबल दे गोबल देना। दिल दे दे दिल ले ले, मेरा ही दिल ले ले, दिल ले ले या दे दे, बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। फ्री में मिलेगा तब भी नहीं चाहिए तेरा दिल। इसकी फालतू शक्ल देख के ताना डाला ना, यही गलती थी मेरी, बंदरिया की जैसी है, और घमंड देखो इसका। जाने दे छोड़ यार, जाने दे छोड़ यार। ए लाल वाले इधर आना। क्या रे, तेरे से बड़ा तो तेरा बैग दिख रहा है। बुक्स है भाई। कितनी फीस है तेरे स्कूल की? 1 लाख है। अरे यार, हमारी पूरी एजुकेशन में इतना खर्च नहीं हुआ होगा। अगर तुम पढ़ने जाओगे ना तो 1 लाख रुपए पूरे वेस्ट है। मारूंगा, चल निकल, जबान लड़ाता है। गुरु, आजकल के बच्चों को एरिया के सीनियर्स लोगों का डर ही नहीं है, देखा कैसे बात कर रहा था। शिष्य देखिए अभी आ गई। ए भाई, मोबाइल देना यार, दूसरा गाना लगा था। कौन सा गाना लगा? अबे यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन जा रहा हूँ उसके पीछे यार, कुछ नहीं होगा। अबे क्यों समय बर्बाद कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, ये ना सुधरने वाला नहीं है। लड़के खड़े थे, मैं भी जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल भी नहीं डरा। हर एक एक को टूल के साथ पटक पटक कर मारा मैंने, सारे हॉस्पिटल में पड़े हैं, पता है आपको मैं कैसा खिलाड़ी हूँ, तुम तो जानते हो ना मुझे, डरता नहीं किसी से मैं। धर्मा, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। धर्मा, मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा क्या तुमने? ए चल रे गाड़ी निकल। धर्मा 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 चला, चला, धर्मा निकल यहाँ से। तुझे किसी से प्यार नहीं होता है क्या? कोई लड़की पसंद नहीं आती? धरती पर इतनी सारी लड़कियां होते हुए भी गाड़ी के पीछे बिठा कर घुमाने के लिए एक लड़की को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है यार। लेकिन इन सब के लिए प्यार होना चाहिए, और वो किस रेंज पर होता है ये तू नहीं समझ पाएगा। मैं कौन हूँ? कश्यप ब्रह्मा का बेटा, इस सृष्टि का संरक्षक, चतुर्मुखी ब्रह्मा का पोता, विधाता की विधि को बदलकर मौत के सामने खड़ा होने वाला महान राजा हूं मैं। अतिथि के बच्चों के हट को जलाकर आदित्य के हट को रोकने वाला साहसी हूं। अटला पिटला सूतला रसातल महातल पाताल सबको पैरों से कुचला, ये गलत है क्या? हेलो, ये रवि का माल है,
एक का डबल आना चाहिए। ओके भाई। अगर मिस हुआ तो तू मिस हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई। रवि भाई छोड़ दो भाई प्लीज भाई, पास से माल लेकर उसमें मिलावट करके बेच रहा है। नहीं भाई छोड़ दो भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई खून, अरे भाई छोड़ दो भाई, दोबारा नहीं करेगा ना। हाँ भाई चल निकल। ठीक है चल निकल, मारूंगा कान के नीचे। भाई कहाँ पे है तेरा हरि? भाई हर जगह नजर आ रहा है भाई। चल ठीक से बता कहाँ पे है वो। सच में भाई मुझे हर जगह नजर आ रहा है। ऐसे ही नजर आना चाहिए, ऐसे ही। क्या रिच लाइफ है यार इन लोगों की। हमारा तो वही है, मिडिल क्लास का छोटा सा घर। सोने के लिए भी लोन, बाइक के लिए भी लोन, एजुकेशन के लिए भी लोन। तुझे एक बात बता, शादी होने वाली लड़की के घर से दहेज लेकर जिसपे सूट भी नहीं जमता, वो भी सूट बूट पहन करके दहेज में मिलने वाले पैसों से अगर एक भी घर लीज पे ले लिया तो सोचो जरा। लेकिन कुछ भी कहो भाई, मेहनत नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। बात तो सही बोला गुरु, जीना है तो बड़ा आदमी बन के ही। अब क्या हुआ, चाय उससे लेना। चलिए मुझे तो दे, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। अरे अंधा है क्या? सॉरी सॉरी इडियट। यस इधर आ, गरम चाय फेंको मुंह पे। कैसा था? तेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? छोड़ता क्यों बे, तुझे ऐसा करते शर्म नहीं आती? ये ले, एक तरफ तो तू ये बोलता है कि तुझे बड़ा इंसान बनकर जीना है और ऐसे बेवकूफ वाली हरकतें करता है भाई। अरे जो धक्के के थ्रिल में मजा है ना, वो कहीं नहीं है। सही कहा ना, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए जो फीलिंग्स होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, समझा? ऐसा क्या, ये क्या चीप हरकतें करना, धक्का मारना किसी को भी, पागल थू। भाई मैं कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, तुम एक बार धक्का मार के देखो। अबे धक्के से क्या मिलेगा यार, बहुत मजा आएगा, करके तो देखो यार एक बार। क्या मिलेगा रे? अरे मार के देखो, मजा आ जाएगा। अब ये इतना कह रहा है तो करके आओ। यस देख भाई, तू बोल रहा है तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ अरे मिलेगा भाई, जाओ तो सही। ये लाओ लाओ लाओ, विजय होकर आना। हाँ शाबाश। अरे ए देखा नहीं के तेरे को, अरे दिन में टक्कर मार रहा है। अरे 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 सुना धर्मा, तेरे पापा ने खुद तेरे लिए सी ली है, ये तेरे बर्थडे के लिए, ये अच्छी है ना, देख तो। ये सब किस लिए अन्नपूर्णा जी? तुम्हारे लिए हमने कुछ नहीं किया बेटा, ये छोटी मोटी खुशियां ही हैं हमारी जिंदगी में। अरे आपकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है तो ये सब क्यों करते हो आप? आराम से अपनी जिंदगी बिताइए ना, और मुझसे कोई आशा रखने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ जी? आज के जमाने में बच्चे चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए जायदाद इकट्ठी करें, और ऐसे में हमने अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी बात का बहुत ज्यादा दुख है मुझे। होली होली आई होली, खेलो खेलो जीवन के रंग। हे होली होली आई होली, हे खेलो खेलो जीवन के रंग। रंग दो इस दुनिया को, आज अपने रंग से दिखा दो दुनिया को अपनी होली के रंग।
ए, धर्मा का चेला आ रहा है, रोको उसे, रंग लगाते हैं। मेरी बात सुनो, अभी मैं ऑफिस ड्रेस में हूँ, अगर कलर डाला तो अच्छा नहीं होगा। अगर ये बात मेरे दोस्तों को पता चली ना तो मैटर कुछ और हो जाएगा। अरे लगा लगा, अरे लगाना ना कर रहा हूँ ना, फालतू में कपड़े खराब मत करो। कलर नहीं लगाना है तेरे को, ठीक है दूसरे रास्ते से जा फिर। क्यों, इस रास्ते से अगर जाना है तो कलर लगवाना ही पड़ेगा, यही सब मना कर रहा हूँ मैं। अबे तेरी तो धर्मा गैंग और रवि गैंग में आपस में लड़ाई हो रही है एरिया में। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, अगर त्योहार मनाना है तो अच्छी तरह से मनाओ। इसी एरिए में ऐसे लड़के हैं क्या? जरा अपने आप को देखो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो हाथ मिलाओ। क्या बे? अबे क्या तुम लोग ये झगड़ा ये सब करते रहते हो? एक ही तो लाइफ है। हाँ, तुझे भी वहाँ होना चाहिए था ना, अच्छे से पीट कर आती तू। ठीक से समझा उसको। डायलॉग स्लो बोलो। हाँ, कहाँ से? ओपनिंग से क्या? गैबल करना है या ऐसे ही बोलना है? डायलॉग्स अच्छे से याद है ना? मेरा रेडी है। अरे लेकिन मैं नहीं हूँ यार। ऐसा है तो गैबल नहीं करते, ऐसे ही ले लो। हाँ दोस्त। महामंत्री जी, महाप्रभु, अत्याचार से मुझे मिलने का कारण। अरे अत्याचार नहीं, अति शीघ्र होता है। ओके ओके ओके। धर्मा, मैं सच कह रही हूँ, 100% ये शो की वाट लगा देगा। लिख के ले लो तुम। अरे
वो थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया यार। ट्विस्ट तो होने वाला है, चल। धर्मा पहले इसका कैरेक्टर चेंज करो। चुप रहे यार, पहले से हिंदी इम्प्रूव हो गई है मेरी। हाँ ठीक है तो करना। ऊपर से राजाओं की भाषा बोलनी है। राजाओं की भाषा नहीं बोलनी है, हिंदी बोलने वाला हर एक राजा होता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है यार, गुरु शुरू करते हैं। प्रभु पागल दूंगा खींच के, लगता है 90 मार गया है। सिंह पे नहीं कर रहे। महामंत्री जी, ऐसे अत्यातुर से मुझसे मिलने का कारण? महाप्रभु, गांव में सूखा पड़ जाने के कारण हमारी प्रजा बहुत ही दुखी है। किसान अपने खेतों में कुछ भी उगा नहीं पा रहे हैं। हम और हमारी प्रजा कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी मौत आ ही रही है। प्रभु, हमारी प्रजा आने वाली पीढ़ी को लेकर बहुत ही असमंजस में है। असमंजस की कोई बात नहीं है, हर एक साम्राज्य में हर एक राजा अपनी प्रजा के लिए भगवान बनकर जीता है, और इसी कारण से आज मैं इस महासभा के सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरी प्रजा के समस्या के निवारण के लिए मैं अपनी सारी धन दौलत, राज्य का खजाना, सब कुछ अपनी जांगों को समर्पित करता हूं। क्या हुआ? ए, अपनी जनता होती है, अपनी जांगो नहीं। अरे ए, सुना, अबे ऐसा कोई परफॉर्म करता है क्या? ए, तू जानबूझ करके डबल मीनिंग बातें कर रहा है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, टंग ट्विस्ट है। मुझे पता है कि तू ये सब जानबूझ के कर रहा है, समझा? कौन है यार ये, कुछ भी मीनिंग निकाल रही है। डबल मीनिंग को तो तू क्राइम की तरह पकड़ रही है। आजकल डबल मीनिंग का ही ट्रेंड है। पुराना एक्ट भी डबल मीनिंग की वजह से ही सक्सेस हुआ था, अपने भाई ने लिखा है। क्यों गुरु, डबल मीनिंग क्या क्राइम है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या गुरु, ऐसा क्या हो गया? कल मैंने एक सीन देख लिया, वो देखने के बाद पता नहीं क्यों क्लैरिटी मिल नहीं रही है यार। क्या यार, ऐसा क्या सीन था? यार मेरे भाई ने कहा था होमवर्क कर देगा, पर हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए या हाथ दे दिए? अरे बताना शर्मा क्यों रहा है। अरे बलून, पापा पापा हाथ छोड़ो ना पापा। अरे हाथ छोड़ने को कह रही है। मुझे बलून चाहिए पापा, हाथ छोड़ो ना पापा। अरे हाथ छोड़ दिया यार। अरे चुप हो जा बे, डांटेंगे। चुप हो जा, हंस मत। पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? पापा क्यों रो रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, चलो। ठीक है यार, आई एम सॉरी, ये तो टंग की वजह से ऐसा हो रहा था, फिर भी आई एम सॉरी। ये कब आई यार? हे मधु, क्या हुआ बोलना। अरे क्या, अरे हुआ, क्यों रो रही है? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ मधु, क्या हुआ मधु, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मधु, क्यों रही हो? क्या हुआ मधु, क्या हुआ बोलना, क्या हुआ मधु, बोलो क्या हुआ। हर रोज जब मैं ऑफिस जाती हूँ, तब उस बस स्टैंड पर एक लड़कों का ग्रुप देख के तेरी जवानी दिल मेरा धक धक करता जाता है। लेकिन इस बात को लेकर मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया, लेकिन उस दिन उन लड़कों ने उस लड़की के साथ, फू लोफर कहीं के, बदतमीज, घर में माँ बहन नहीं है लगता है। दुपट्टा दे। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, हाथ तो पहुँचने दे। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो पता है ना क्या होगा। तेरी तो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो जुबान ज्यादा चल रही तेरी, समझती क्या है तू? ए शुरू करो। छोड़ो प्लीज। और जब हाथ पहुँचो तो इसके कपड़ों से अच्छे से पहुँचना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ो। हटो।
फर्ज। उसी वजह से उन लोगों ने मुझे और मेरे कलीग रघु को बस स्टैंड पर देख तो जरा, बस स्टैंड पर खड़े होकर रोमांस कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। कौन हो तुम लोग? तेरी तो इधर तो ज्यादा फड़फड़ा मत, रिकॉर्ड कर रहे। ये आप लोग क्या कर रहे हो? देखो फ्रेंड्स, इन दोनों के चेहरों को देखो, ये हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये लोग तुम्हारे एरिया में दिख जाएं तो क्या करोगे? चप्पल से मारना, चप्पल से मारना। बताता हूँ तुझे अभी, चल दिखाओ वो कौन है मुझे। फूल। अरे नालायक, क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों रे बुढ़ऊ, फर्स्ट नाइट के लिए फूल बेच रहा है क्या? क्या हुआ बेटा, फूल क्यों खराब कर रहे हो? गुरु, ये बुड्ढा तो तुमको बेटा बोल रहा है। ये बता बुढ़ऊ, मेरे जैसे लड़के को पैदा करने की ताकत है तुझ में? नमस्ते सर। नमस्ते धर्मा, क्या बात है आप यहाँ पर? देखो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए। देखो धर्मा, तुम्हारे पापा इतने दिनों से केस लड़ते आ रहे हैं और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि केस छोड़ दो, अगर और 6 महीने केस को कोर्ट में चलाएंगे तो जजमेंट हमारी ही तरफ होगा। अगर ऐसे ही हमने केस बीच में छोड़ दिया तो इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का परिश्रम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे पापा को जेल नहीं होगी। हे, क्या हुआ बताओ ना। आगे क्या करने की सोची है तुमने? आगे तो कुछ नहीं। मतलब? अरे दीवार है बाबा। ज्यादा शराबियों की तरह ड्रामा मत करो। तुम्हारे पापा मेरे घर आए थे। वो क्यों?
मदद मांगने के लिए आए थे। वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। वकील ने कहा कोर्ट का आर्गुमेंट रोक देंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पापा जेल जा सकते हैं। अभी उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम कहीं जॉब ट्राई करो ना। अरे छोड़ो ना, कौन काम करेगा वो? वहाँ पर सब टाइम डिपेंडेंट प्रोग्रेस है। इंसान की मेहनत देके प्रोग्रेस नहीं होती है, टाइम के साथ काम करना पड़ेगा। और उसके बाद ये ज्यादा ही तड़प रहा है, देकर उसे हायर पोजीशन दे देंगे और उसमें टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचता है। मुझे इस तरह के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही ये कुली वाले काम मेरे एटीट्यूड को भाएंगे। अपना तो सिर्फ एक ही फंडा है, सक्सेसफुल मैन बनने से अच्छा फेलियर बॉस बनना पसंद करूंगा। ठीक है गुरु, तुम बस बॉस बनो। तुम्हें अपने घर की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। माँ बाप को बीच में मत लाओ, मेरे अंदर उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम ऐसे बात क्यों करते हो? जो बात है वही तो कर रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कि माँ बाप के प्यार की फीलिंग्स कैसी होती है। बस तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, वो फीलिंग्स कैसी होती है ये मुझे पता है, लेकिन माँ बाप के फीलिंग्स के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। माँ बाप को लेकर फीलिंग्स नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? कुछ मत बोलो ना। हाँ मैं समझता हूँ कि अन्नपूर्णा जी को माँ कहकर बुलाना है, लेकिन अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं होती है, नाटक करना पड़ता है मुझे। मेरे फ्रेंड्स अपनी माँ के साथ झगड़ा करते हैं, मजाक करते हैं, बात भी करते हैं, माँ माँ कहकर बुलाते हैं तो भी लगता है कि जरूर ये कोई हैवी फीलिंग्स होगी। मेरे अंदर उनको लेकर प्यार है, इज्जत है, लेकिन माँ बाप वाली फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। उस भगवान ने मुझे इन सबसे बचपन से ही दूर रखा। मैं तो आज तक अन्नपूर्णा जी और रामाराव जी को देखकर ठीक से मुस्कुराया भी नहीं हूँ। मैं क्या करूं? ठीक है, इतने दिनों तक उन्होंने मुझे पाला है तो उसी एहसान को चुकाने के लिए मैं कहीं पर काम तो कर ही लूंगा। चलो। सर कोल्हापुर की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ, लेकिन क्यों? तो मुझे ड्रॉप कर दोगे सर? कौन सा ग्रेड है? लेबर ग्रेड है सर। आगे बीएमसी की बस मिलेगी, उस पे चढ़ के जाओ। चलो चलो जल्दी चढ़ो। ए जल्दी उतरो, रास्ता दो चढ़ने के लिए। चढ़ो चढ़ो जल्दी करो। ए दरवाजा बंद कर। चलो। ए तेरी तो दरवाजा खोल। अबे अबे दरवाजा खोल, हाथ फंस गया मेरा। खोल ना। ऊपर चलो। अबे दरवाजा खोल बोल रहा हूं तो। यहां खड़े मत रहो। कॉमन सेंस नहीं है क्या तेरे में? कॉमन सेंस तो तुमको नहीं है। इस बस में तुम्हें चढ़ना नहीं चाहिए। इसी भीड़ में आकर मरोगे तो हम क्या करेंगे? सही तरीके से बात नहीं कर सकता। अबे अकेला भी है क्या? हां हां इसे क्या हो गया? हां ए आगे बढ़ो। सर क्या दूं सर? चिकन फ्राई। अबे कहां देख रहा है, जल्दी ले और निकल। बारात में आया है क्या? चल निकल जल्दी, दूसरों को आने दे। ए जल्दी आओ, जल्दी करो। कहां जाना है? कोलंपु नगर। 15 रुपए निकालो, ये लो। चेंज दो ना गुरु। देखो पीछे लिखा हुआ है। पीछे लिखा गुरु? पीछे मतलब बस के पीछे नहीं, टिकट के पीछे। जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो इसे दिखाकर चेंज ले लेना। क्या आदमी है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है क्या? वैसे भी काम पर लग गया है, दोपहर में खाना चाहिए, खाना लाकर दे देना। अरे गुरु क्या यूनिफॉर्म है ये? बीएमसी में घूम रहे हो क्या? अरे कुछ नहीं, चल रहा है गुरु। काम मिल गया है यार। काम मिल गया क्या? संभल कर, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। काम कर रहे हो और तुम काम कर रहे हो? अब प्रोजेक्ट हेड हूँ और एक साल बाद मुझे वो लोग बॉस की पोस्ट देने वाले हैं। ओह hey, सुपर है यार। वो सब ठीक है, बीएमसीटी की बस में क्यों घूम रहे हो? कैब फैसिलिटी नहीं है क्या? हाँ। अबे कंपनी है तो फैसिलिटी नहीं होगी क्या? वैसे एक फ्रेंड मिला था बस में, इसलिए उससे बात करते करते यहाँ तक आ गया। चल ठीक है, मैं मिलता हूँ। ठीक है भाई, बाय बाय। हाँ भाई, तो मैं भी कह रही हूँ ना। अरे वो देख, काम पर जाने लग गया। कोई मल्लोपुर का है क्या? चलो चलो जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, नीचे उतरो। बेटा उठ, चल। क्यों उठो? देखता नहीं क्या वहाँ क्या लिखा है? ए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बगल में जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम हो गई है। यही पे जा रहे हैं। क्या हुआ है? क्या नाटक दिखा रहा है? मारने आ रहा है क्या? मैं तो रुक गया। भाई क्या बनाऊंगा? जेल में चक्की पीस रहा है। समझ क्या रहा है? क्या कर रहे हो? बाहर नहीं आएगा। सॉरी बेटा, उठ जाओ। अबे क्या सोच रहा है? देखो यार कैसी है गाड़ी। क्या गुरु, लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी नहीं लगी है भाई, एक सेठ की बेटी को पटाया है, उसी ने दिलवाई है। धर्मा तू नई गाड़ी कब लेने वाला है यार? उसका टाइम आएगा तब वो ले लेगा, तू जाना। टाइम ऐसे नहीं आने वाला है दोस्त, खुद को क्रिएट करना पड़ता है। पैसे ना हो तो दिमाग चलाना पड़ता है। धर्मा किसी अमीर लड़की को पटाना गुरु, और उसके पैसों से ऐश कर, इजीली पटा सकते हैं। एक बार अगर लड़की पट गई ना तो पूरी लाइफ सेट हो जाती है। सोच कर देख ना यार।
अबे तेरी लड़कियों के पैसों से शौक करता मुझे सिखाता क्या? मुझे सिखाता लड़कियों के पैसे से सेटल हो सकता है क्या? समझ कर रखा है रुक जा भाई क्या कर रहे हो भाई शांत हो जा यहां पे धर्मा बेटा हाथ पैर धो ले मैं खाना लगाती हूं भूख नहीं है मुझे तेरा पसंदीदा पुलाव बनाया है मैंने थोड़ा सा तो खा ले सोना नहा लिया क्या तुमने कान फाड़ अरे लाल वाली चूड़ी मत पहन तू पहले से ही लाल है ब्लू पहन और एक टाइट वाला पैंट पहनना अरे सोना बस में नहीं बाबू फॉर्च्यूनर में जाएंगे ना अगले शुक्रवार को बेंस आएगा हाँ तुझे और पूजा को लेकर जाऊंगा ना सोना सोना चल क्या कर रहे हो भाई कंडक्टर स्टॉप बड़ी मुश्किल से लड़की पढ़ाई की मैंने और इसने फोन फेंक दिया यार एकदम सही कहा बे काम कर रहा है पूरी तरह से बदल गया हाय बाप रे क्या सर काम पसंद नहीं है फिर भी पूरे दिल से काम कर रहा है लेकिन जिंदगी जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है और इसे ही जीवन शैली कहते हैं मैं हुचप्पा हूँ डरो मत सिर्फ नाम का अच्छा। हमारे यहाँ ऐसे कॉमन नाम होते हैं हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारा क्या नाम है धर्मा देखो धर्मा अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो अभी छोड़ दो नहीं तो इसमें फंस जाओगे तुम मेरी तरह मतलब आपको भी पसंद नहीं था क्या मेरा लक्ष्य कुछ और था क्या सर तुम भरोसा नहीं करोगे नहीं नहीं बोलिए आप मैं हीरो बनना चाहता था क्यों 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 ये रिएक्शन क्यों नहीं, नहीं, अरे कुछ तुम्हें लगता है मैं हीरो नहीं बन सकता बन सकते स्मार्ट नहीं हूँ क्या अरे आप हो हीरो तो फिर हंस क्यों रहे हो दीदी सर अरे जाने दीजिए ना सर मैं हीरो नहीं बन सकता स्मार्ट नहीं लगता हूँ अरे बिल्कुल आप हीरो हो सर आप हीरो हो अभी प्रूव करता हूँ तुम बोलो ना दिखने में अच्छा नहीं हूँ क्या मेंढक की तरह है और कह रहा है हीरो बनेगा हीरो ऐसे लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद सच है ऊंचा भाई सच है देखो भाई देखो मेरी हालत देख कमिटमेंट की वजह से सपनों को छोड़कर काम पर लग गया और अभी काम ही कमिटमेंट बन गया तू मेरे जैसा मत बन मेरे जैसा मत बन जा ये काम छोड़कर चला जा जा हाँ कौन है इंडस्ट्रियल बस स्टॉप पर उतरने वाला बाहर निकलो आ जाओ चलो चलो जल्दी उतरो आ जाओ जल्दी चढ़ो जल्दी चलो अगली बस आने में बहुत टाइम है मैं इस बस से नहीं आऊंगा आखिरी बस से आऊंगा दूजा है साइड से खड़े रहो अंदर जाने दो चलो हाँ बोलो आज क्या क्या होमवर्क दिया है उसे हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए हैं आंसर बताओगे क्या हाँ, तुम पूछती जाओ मैं बताता जाऊंगा ठीक है हाँ कोयम्पु नगर दीजिए हाँ पापा कर्नाटक का पहला मुख्यमंत्री कौन था अरे हमारे सदानंद गौड़ा जी अगला सवाल पूछू क्या पापा हाँ मैंने 20 रुपए दिए थे ओह बातों में भूल गया सॉरी कहाँ जाना है कोयम्पु नगर तमिलनाडु में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी पापा अरे वो है ना अपनी जयमाला अरे मैंने 20 रुपए दिए थे आपको अरे बातों में फिर भूल गया सॉरी कहाँ जाना है आपको कोयम्पु नगर कोरोना सबसे पहले कहाँ पर आया था पापा अरे वही अपने गले में मैंने 20 रुपए दिए थे भाई थू ए मैं बाद में बात करता हूँ कंफ्यूज हो गया हूँ मैं कहाँ जाना है न्यूयॉर्क हाँ 2 रुपये आपको और देने होंगे
न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में। हाँ, हमारी बस वहाँ नहीं जाती है। लास्ट कुवेमपुर नगर है। अरे तो भैया मैंने वही कहा था। अरे पहले बताना चाहिए था ना। अभी मुझे ही 5 रुपये देने होंगे। कैसे बच्चे हो तुम यार। अरे ज्ञानवर्ती का कौन है? सर मैं हूँ ज्ञानवर्ती का। ओ चलो उतरो उतरो। हाय सत्या। हाय भैया, कैसे हो? हाय। हाय आंटी, बैठो बैठो। हाँ सत्या। नमस्कार। अरे ये तो सारी औरतें बर्बाद हो गई। पहले के जमाने में कितना सही हुआ करता था। हमारे जमाने में अगर एक लड़का पीछा करते हुए आए तो उसे पलट कर देखने में भी सोचते थे, और आजकल के लोग एक बार सिर उठा दिया तो झुकाते ही नहीं है। एकदम सही कहा आपने। परसों एक औरत बस में सफर कर रही थी, मैंने पूछा कहाँ जाओगी, तो उसने कहा जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊंगी। मेरी तो किडनी फेल होते होते बची। चुपचाप टिकट दे दी और मैंने पैसे भी नहीं मांगे। मैं ड्राइवर के बगल में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अरे शंकर भाई, आजकल की लड़कियाँ जो है सिर्फ जोरदार ही नहीं है, नौटंकी बाज भी हो गई है। और बेचारे लड़के दिन रात बाहर जाकर औरतों के लिए मेहनत करते हैं, और औरतें क्या करती हैं? अच्छी तरह से खा के टीवी के सामने बैठ के दिन भर सीरियल देखती हैं, और त्योहारों के दिन में कौन सी मिठाई मंगवानी है, कौन सी ज्वेलरी लेनी है, बस यही देखते रहती है। सही बात है। चुप हो जाए यार, वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। हाँ सही कहा, सही कहा, सही कहा। श्रमजीवी हैं हम, ये कहकर घूमने वाले सारे मर्द बिल्कुल नौटंकीबाज होते हैं। अपने ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी कर ली तो सब कुछ खत्म, फिर तो बात ही मत करो। और हम जैसी औरतें ऑफिस में ड्यूटी भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं। पति को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, उनका खाना पीना डिब्बा दवाई सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। उसमें से कोई भी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं क्या? आपके बस की ही नहीं है। इतना ही नहीं, अपनी चड्डी भी अपनी बीवी के हाथों से धुलवाते हैं। अरे दोने दो ना, गलत क्या है, बीबी हो तो सारे काम करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे आनंद सुपर यार, तेरा साइज छोटा होने के बावजूद डायलॉग बढ़िया मारता है। अरे लोग हिल गए। क्यों क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लो पानी चाहिए क्या? ले लो पानी, ले लो, ले लो। अरे बोलो तो सही। अच्छा तुम लोग औरतों के बारे में ऐसी वैसी बातें करते हो ना, अगर एक बार अपने दिल से पूछो ना तो कौन सही है ये पता चल जाएगा। और अगर कैरेक्टर देखा जाए तो दुनिया के सारे मर्दों को औरतों से अच्छे गुण सीख लेने चाहिए। ओ, बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ। मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। बड़े बड़े गुण होते हैं मर्दों में, इसीलिए नदी का नाम औरतों पर है। अरे भाई कहाँ थे अभी तक आप? सही कहा, सही बात है। बंद हो गई, बिल्कुल सही। कुछ पियोगे क्या? अरे वो पानी नहीं पिया है। हेलो एक्सक्यूज मी, उनकी बोलती बंद हो गई। देखो नदियों को औरतों का नाम क्यों दिया गया है? आसानी से खराब कर सकते हैं इसीलिए। क्या बोल रहा है? कोई नदी नहीं छोड़ी, सारी नदियों को बिगाड़ कर कैरेक्टर लेस बना दिया है तुम लोगों ने। ये मर्द लोग ना रेपिस्ट ही होते हैं। अरे भाई मैंने सीटी नहीं बजाई, तुम चलाते रहो, रोकना मत। मजाक में कही हुई बात को प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, मानता हूँ। और सुन लो, औरतें श्रेष्ठ होती हैं, त्यागमय होती हैं, सब कुछ होती हैं, फिर भी वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम मर्दों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हम लोग मर्द हैं, हम लोग ही ग्रेट हैं। ये कहने वाला तुम्हारा दिमाग तुम्हें औरतों के लेवल से भी नीचे लेकर जाता है। इस धरती पर होने वाले हर एक चमत्कार के पीछे औरत और मर्द दोनों का समान अधिकार होता है, समझे? पता नहीं हम लोग मर्द होने के बावजूद भी ये भूल जाते हैं कि हम लोगों ने भी एक औरत के कोख से जन्म लिया था, इसलिए ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। इससे भी बढ़कर एक और बात बताता हूँ, सुन लो। अगर इस धरती पर औरत नाम की चीज नहीं होती ना, तो हम मर्द हैं ये सब कहने वाले तुम लोग एक टेस्टिकल में बस सेल बनकर ही रह जाते हैं। ये टेस्टिकल्स माने क्या होता है? इन सबसे ज्यादा औरत को मर्द से हुए और होने वाले और आगे भी होने वाला एक बड़ा धोखा यह है कि उसका एक एंटरटेनमेंट की तरह यूज हो रहा है। इतिहास निकाल कर देखोगे तो एंटरटेनमेंट के लिए औरत होती थी, लेकिन आज के इस पुरुष प्रधान समाज में बस औरत ही एंटरटेनमेंट बन गई है। अरे इस दुनिया में औरतों को ही बस बिजनेस बनाकर बिठा दिया गया है। हर चीज की मार्केटिंग में उसे अपना जिस्म दिखाना पड़ता है। एक बिस्किट के एडवर्टाइजमेंट के लिए लड़की की जांघें दिखाकर उससे पैसा कमाते हैं। बोलते हैं देखो ये हमारी कंपनी का बिस्किट है, खाओगे तो मजा आएगा, है ना? अरे बिस्किट के मार्केटिंग करने के लिए लड़कियों की जांघ जरूरी होती है क्या?
खाने वाली चीजों में भी लड़कियों के जिस्म का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई? और इन सब की वजह हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है। और इन सब से बढ़कर एक और सत्य बताता हूँ आप लोगों को, जानवरों को मारकर उनका मांस और स्किन को बिजनेस के लिए रख देते हैं। इसके मुकाबले देखा जाए तो औरतों पर तो कुछ भी मुसीबत नहीं आई है, लेकिन आगे चल के बहुत खतरा हो सकता है। बहुत ज्यादा ही ज्ञान दे रहा है ये, इसकी तो टांग खींचनी होगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, औरतों को एंटरटेनमेंट के तौर पर सिर्फ मर्द ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, औरतें भी इस्तेमाल कर रही हैं। औरतों द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी में आइटम सॉन्ग्स नहीं होते हैं क्या? फराह खान ने भी एक मूवी डायरेक्ट की थी जिसमें शीला की जवानी सॉन्ग था। क्यों, वो भी एक औरत ही है ना? मेरी एक बात अच्छे से सुनो, जब टाइटैनिक डूब रहा था तभी औरतों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट को छोड़कर मर्दों ने अपनी जान दी थी। अगर सच कहा जाए तो त्याग का दूसरा नाम ही मर्द होते हैं, सबसे आगे लड़के ही होते हैं। क्या पॉइंट मारा है बेटा तुमने, शाबाश। अरे हंसो यार, हंसो ना। वाह 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 वाह, क्या बोला है बेटी तुमने, इंटेलिजेंट। केरला नगर आ गया है बेटी, स्टॉप आ गया है बेटी, चलो बस स्टॉप 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 स्टॉप। वाह मजा आ गया, बोलती बंद कर दी बिटिया ने। सही कहा उसने। समस्या है, पक्का समस्या है, छोड़ना मत। कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मत छोड़ना, कल से भी अच्छा पॉइंट बताकर हराना। इन औरतों का बहुत ज्यादा ही हो गया है, आजकल ये सब रानी बन गई हैं। आज कुछ भी हो जाए, कोई बात हो जाए, तुझे पता ना हो तब भी चलेगा, मुंह तोड़ जवाब देना, छोड़ना मत, मत छोड़ना। पैसे दिए बिना ही आ गई मैं। अच्छा हैं? क्यों काका, आज बहुत चुपचाप बैठे हो, आखिर बात क्या है? नहीं बेटा, आजकल के यूथ का कोई भरोसा नहीं। क्यों अंकल, क्या हो गया? क्या बताऊं शंकर भाई, आज मैं एक बस स्टॉप पर चुपचाप बैठा था। आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। क्या यार, तुम मुझसे मिलने नहीं आए? सच में मैं बहुत बिजी था। अच्छा, तुम कौन हो ऐसा मैंने कहा था, याद है ना? क्या कहा था? लेक्चरर कहा था। तुम भी ना। अरे रे, उसने किया, बहुत बदबू आ रही है यार। बहुत बदबू, मैं तो सही नहीं पा रही हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चलते हैं यहाँ से। करनी खुद की नाम मेरा। आज इस बस का टॉपिक बात की कहानी है। ऐसा ही है शंकर भाई, ये आजकल के यूथ खुद के पद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो देश की जिम्मेदारी क्या लेंगे? अंकल, देश की जिम्मेदारी एक बार ले सकते हैं, लेकिन इसकी। अरे चुप करो। अरे अब चुप हो जाइए काका, एक पॉइंट पकड़कर आज की जनरेशन के बारे में बात करना गलत होगा। उस लड़के ने पिज्जा बर्गर खिलाया होगा, थैंक्स के रूप में उस लड़की ने ऐसा छोड़ा होगा। क्या बोले जा रहे हो तुम, चुप करो जरा। अरे इसलिए छोड़ा होगा उसने। अबे काले, एक बात का मैटर लेकर सुबह से बात कर रहा है। ए, बहुत हो गया, चुप हो जा। तू कुछ भी कहे, मैंने बहुत बार नोटिस किया है आजकल की यंग जनरेशन को जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है। ये बात गलत है सर।
जिम्मेदारी झेलने के लिए ही पैदा करके बड़ा करते हैं, और आप कह रहे हो कि जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, नई जनरेशन सही नहीं है, नई जनरेशन सही नहीं है, ऐसा चिल्लाते रहते हो। हर एक नई जनरेशन पुरानी जनरेशन में ही तो पैदा हो जाती है ना सर। दुनिया में बड़े बड़े इंसानों की फोटो घर में लाकर रखना और फिर कहते हैं कि तू पैदा हुआ है इनके लिए और जिएगा भी इनकी तरह, बस ऐसा लक्ष्य बताकर उन्हें बड़ा करते हैं, और ये सब छोड़कर अगर बेटा थोड़ा भी इधर उधर ट्राई करता है तो कहते हो बेटे ने जिम्मेदारियां छोड़ दी। क्यों सर, आज की जनरेशन को क्या करना चाहिए? अच्छा भाई बनना चाहिए, अच्छा छोटा भाई बनना चाहिए, या घर का अच्छा लड़का बनना चाहिए, अच्छी फैमिली की लड़की से शादी करके बहुत सारी पगार कमानी चाहिए, देश में एक अच्छी इमेज बनानी चाहिए, और देश का उद्धार भी उनसे ही होना चाहिए। अगर इतना सब होना चाहिए तो उसे गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके लिए बैठने के लिए एक सीट भी नहीं होती। गधे की तरह मेहनत कर करके जब उम्र हो जाती है तब सीनियर सिटीजन का पास लेकर देश घूम लो, दुनिया घूम लो, बस यही होता है। आजकल के युवाओं का खून इतना गर्म क्यों रहता है पता है? ये अन्याय, बेइज्जती, दुष्ट व्यवहार, इनके विरुद्ध खड़े रहने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, इस उम्र में खून का गर्म रहना ये एक साइंस है। कुत्ता, बकरी, गाय सबका खून गर्म होता है। ये सब सोचकर बस में सीट नहीं मिलेगी तो इसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे क्या? अरे रे 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 रे, ये सारे पॉइंट कहाँ रखे थे तुमने? अरे बोल बोल, अरे तू भी एक पॉइंट बोल दे उसे, बोल दे। ये तो बोलती ही बंद कर देती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इस बार भी हरा दिया। ए, जा बे। मुझे कह रहे हो? अरे तुझे ही बोल रहा हूँ, जा ना। अरे जा तो रहा हूँ। ए, फालतू टेंशन मत दे, मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। अरे क्या आदमी है, जा तो रहा हूँ। तेरी तो अभी क्या है, क्या करेगा तू? चल जा, छोड़ दिया, माफ कर दिया। आ गया ना ठिकाने पे अब। लेकिन तू मत छोड़ना उस लड़की को, बिल्कुल मत छोड़ना तू। हाँ, ए जा बे। क्या बोला? हराना है। हाँ। ए जा बे। मैं केयर ही नहीं करती। मैं एकदम सच कह रहा हूँ, हमारे देश के लोग ही सही नहीं है। ऐसा क्यों? 140 करोड़ जनसंख्या पार करने के बाद भी कोई भी जनसंख्या कम करने के बारे में नहीं सोचता। हमारा देश ही सही नहीं है। शंकर भैया, जनसंख्या बढ़ रही है ये मानते हैं, लेकिन इससे देश नहीं बढ़ रहा है ये कहा, तो फिर मैं नहीं मानती। सही कहा। नहीं वो उठते समय तो तू लाइटिंग की तरह उठता है, लेकिन उसके बाद उस लड़की के दिए हुए पॉइंट्स पर बकरा बन जाता है। आराम से चुपचाप बैठना भाई, तुम कुछ भी मत बोलना। क्या बात कर रही है? अरे कम से कम उससे तो बोलने दो। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक नहीं है। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था। अरे तुम क्या पहले कह रहे थे, बात करते तो बेइज्जती हो जाती। मारूंगा। इसे क्या हो गया यार? अरे क्या हुआ भाई, इतनी क्यों पी रहा है? एक लड़की रोज बस में बेइज्जती कर देती है यार। तो तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? दो चिपका देना चाहिए था ना। लड़का होता तो बात अलग होती है। लड़की है तो वो कुछ भी कर सकती है क्या? हाँ। वैसे कौन है वो लड़की? कौन है कुछ पता नहीं है रे, मैं जिस बस में जाता हूँ वो भी उसी बस में बस आती है। इतना ही काफी है, देख लेंगे। क्या बोलते हो यार? इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई फालतू लड़की है वो, ये देना। अरे यार, धर्मा को हमने आज तक ऐसे कभी नहीं देखा यार। वो चाहे कोई भी लड़की क्यों ना हो, कल बस स्टॉप पर सबक सिखा के रहेंगे। समझ गए ना? एकदम बिल्कुल। चलो पैक मारो। हाँ तो नहीं, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसमें कमी ना भी है। मत छोड़ना गया। उम्र हो गई फिर भी ऐसी बातें करता है ना, सुअर सुअर की तरह है वो। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसको। आज तो फाइनल हो ही जाना चाहिए। समझ गया? उसको ना छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना मत उसे। आई डोंट वांट एनी बुलशिट। वो कौन है? व्हाट मार्केटिंग पीपल आर डूइंग, जस्ट टेल द मार्केटिंग पीपल टू क्लियर द होल स्टॉक। ओके सर। हमारे बॉस है भाई, मालिक है, इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। जब से यहाँ हूँ पहली बार देखा है। रुको अभी आया। कहाँ जा रहा है रे? मुझे कुछ नहीं सुनना है। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए होते हैं। छोड़ो बच्चा भाई। ए धर्मा, धर्मा सर। अरे सर,
तुरंत मार्केटिंग टीम को बुलाओ, समझ गए ना? Hey, excuse me, who are you? It's okay, leave him. कौन हो तुम? सर, आपसे थोड़ी बात करनी थी मुझे. Go ahead. Personally, sir. Boys, if you don't mind, please. Okay, sir. बोलो, क्या बात है? सर, आपने 20 साल पहले सागर विश्वधर आश्रम से एक बच्ची को गोद लिया था ना सर? Yes. ये बात तुम्हें कैसे पता है? Actually, मैं भी उसी समय उस अनाथ आश्रम में था सर. जिस लड़की को गोद लिया था वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी सर. That's a surprise. मैं इस बात को सुनकर पूरी तरह से एकदम शॉक हो गया हूँ. You know what, Mr. धर्मा. धर्मा. देखो धर्मा, आज तुम्हें मेरे घर आना ही होगा. मेरी बेटी को फ्रेंड्स बहुत पसंद है. अगर आज मैं तुम्हें अपने घर ले गया तो वो मुझे अपना हीरो समझेगी. सर, आपकी बेटी अभी क्या कर रही है? कैसी मतलब कैसी है वो? तुमने देखा नहीं है ना? नहीं. I'll show you. That's my daughter. Look at her. यार, वो चाहे कोई भी लड़की क्यों ना हो, कल बस स्टॉप पर सबक सिखा के रहेंगे. समझ गए ना? नहीं कहा. ओह नो सर. सर वो मैं, सर मुझे एक जरूरी काम है. मैं बाद में मिलता हूँ सर. आपसे बाद में मिलता हूँ. रुको रुको. ओके, नहीं मैं चलता हूँ सर. सर प्लीज सर, मेरा बहुत जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में आके बात करता हूँ. अरे उठाओ ना. रिसीव करो. आज इसमें बहुत चल रही है ना वो. लगता धर्मा का फोन आ रहा है. हाँ बोलो गुरु. अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे बस स्टॉप पर आए हैं. उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं? अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना. नहीं, अरे वो मेरी जान पहचान वाली लड़की है भाई. मैंने बस ऐसे ही मजाक किया था. प्लीज वापस आ जाओ रे. मजाक किया था तूने? हाँ भाई, कह रहा है मजाक किया था. मैंने जाने के लिए कहा था ना, जाकर मिले क्या? अरे मैंने सुना है कि अगर बाल बड़े हो तो बस का चार्ज कम होता है. चलो हमारी टीम लीडर भी आ गई. ना भाई, हमारी टीम लीडर है. पैसे दो. अरे कितनी बार दूं? दे दिया क्या? हाँ दे तो दिया. अच्छा ठीक है ठीक है, ये ले. मलिया ताड़ी कौन है? कौन है मलिया ताड़ी? अरे बेटी तेरा स्टॉप आ गया है, उतर जा बेटी. उतर उतर. अरे उतर ना. अरे जाना, एकदम पागल कर देती है ये. अरे जा. हंस लो, मेरा दुख मुझे ही पता है. अब ये क्या नया करने जा रहा है? ए खून पी जाने वाले, खून पी जाने वाली, Down.
क्या तुम भी ना अम्मा कितने साल हो गए तुझे देखे हुए कैसा बन गया है तू देख 18 साल तो हो गए हंस क्यों रहा है नहीं कुछ नहीं मैं तुझे वापस कभी देखूंगी ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मैंने भी नहीं किया था मैं कौन हूँ तुझे कैसे पता चला तुम्हारे पापा की शक्ल थोड़ी थोड़ी याद थी तो कल मैंने उनको कंपनी में देखा और उनसे बात करने पर पता चला कि तुम ही खून पीने वाली हो जब मैंने तुम्हें बस में यूनिफॉर्म में देखा था तभी समझ गई थी कि तू हमारी कंपनी में काम करता है तो अभी कहाँ हो तुम एक कपल ने मुझे गोद लिया था मैं उन्हीं के साथ हूँ वाओ ये माँ बाप के नाम की फीलिंग कितनी ब्यूटीफुल होती है ना हम दोनों बहुत लकी हैं वैसे तेरा घर कहाँ है यहीं पर कोयमपुर नगर में हंस क्यों रहा है तू नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोल ना तुम बस में उल्टी सीधी बातें कर रही थी ना तो वहीं दो लगा के देने का मन कर रहा था क्यों इतना इरिटेट हो रहा था क्या और नहीं तो क्या लड़कियां सही चल रही है कहा तो तुम कहने लगी कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उनके लिए लड़कों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था अरे वो तो मूवी है उसमें तो कुछ भी हो सकता है मुझे भी सच में एकदम अजीबोगरीब कैरेक्टर लग रहा था और नहीं तो क्या नदी के सारे नाम औरतों के नाम पर किसी मर्द ने रखे हैं कहा तो हाँ खराब करने में आसान होता है ना इसीलिए ऐसा कहा ना मैंने सिर्फ तुम्हें छेड़ने के लिए ऐसा कहा था तुम्हारा थॉट एकदम सुपर्ब है स्पेशली तुमने एक बात कही थी ना वो अब तक मेरे दिमाग में वैसे ही है कौन सी बात वही जानवरों के मरने के बाद उनके स्किन और मांस का बिजनेस करते हैं लेकिन औरतों के मामले में जब वो जिंदा होती है तभी से उनके साथ ये होने लगता है यही सच में बहुत ग्रेट है तू इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड्स माँ बाप और बाकी सबको तेरे बारे में बताया था क्या बताया बस में मुझे एक लड़का मिलता है और बहुत ही अच्छी बातें करता है लेकिन मैंने उसे एक कॉमेडी पिच बना कर रखा है एक्चुअली वो मैंने अपने फ्रेंड को कहा था क्या कहा था नहीं कुछ नहीं बताओ ना अरे कुछ नहीं जाने दो ना बताओ ना एक लड़की बस में मिलती है और मुझे बहुत तकलीफ देती है कुछ भी कहो एक अलग तरीके के लॉजिक से मुझे हरा देती है वो इसलिए मेरे फ्रेंड्स ने तुझे मारने का प्लान भी बनाया था अरे बाप रे इतना टॉर्चर किया था मैंने तुम्हें ऊपर से पूछती है अरे देखो उनकी 100 साल की उम्र है वहीं पर है मेरे दोस्त लोग आओ तुम्हारी जान पहचान तुम लोग आपस में टेढ़े मेढ़े नाम रखते हो ना उसी नाम से पहचान कराओगे ना रोज दे मेरी पुरानी फ्रेंड है हम लोग चड्डी दोस्त हैं लेकिन तब हम चड्डी ही नहीं पहनते थे कमीनों दिखाता हूं उनको यह है शेखर हाय इसको हम खरका कह के बुलाते हैं और यह प्रेम इसे किंडल बुलाते हैं और यह नागा इसको फुस कह के बुलाते हैं और यह विजी बहुत बड़ी मुसीबत ये नवीन और हम इसे मैं गेस करूं क्या पक्का ये पुराना होगा है ना ये बोलो ना चुपचाप बैठे रहो चलो ठीक है हाँ मैं बाद में मिलता हूँ तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ बाय बाय तुमने जो नाम रखे हैं उसी से सबको बुलाऊंगी मेरी एक बहुत गंभीर समस्या है शादी करने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए सरकार कहती है लेकिन मेरे हिसाब से शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी हो ऐसा कानून बनना चाहिए और इन स्कूलों में मैथ साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सिखाने से बेहतर इंसान के बारे में और उसके शरीर दिल और भावना के बारे में सिखाया जाए तो बेहतर होगा हेलो सारे लोग सुन लो हमारी कावेरी नदी का पानी छोड़ना बहुत बड़ा अन्याय है लेकिन उसी कावेरी नदी को गंदा करते हैं तो ये कहाँ का न्याय है 5 रुपए की बोतल 10 रुपए में लेकिन बिल मैं दे दूंगा डोंट वरी सब लोग अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तो कैसे चलेगा लाइफ में सिर्फ डिग्री पाना ही जरूरी है क्या पब्लिकली बहुत गंदगी हो गई है सैनिटाइजर मारना जरूरी है घर में मियां बीवी का झगड़ा हो तो बच्चों को पता ना चले उससे भी जरूरी है पेरेंट्स को पता ना चले औरतों को सैनिटरी पैड फ्री देकर
योगा, कपालभाति, ये सब सिखाकर स्वस्थ रखना चाहिए। मुझे बिल भरना है, समय हो गया है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक दिस? ऑल योर्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, चलता हूँ। कौन है यार, ये तुम्हारी पहचान क्या? पागल लग रहा है ये। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, देखो कितनी सारी अच्छी बातें जानता है वो। इतनी सारी बातें जानता है ना, इसलिए पागल हो गया। फिर भी पागल लोग ही भगवान होते हैं, बिना किसी इच्छा के और बिना किसी को तकलीफ दिए सिर्फ वही लोग जीते हैं। इसका कोई नाम रखना चाहिए। वाओ, सुपर, हम इसे सन्यासी कहकर बुलाएंगे। ऐसे नाम तुझे कहां से याद आ जाते हैं? पापा को मुश्किल दिनों में इसी नाम से बुलाती थी, इसीलिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल घर आना मत भूलना। बाय बाय। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। क्या रे रवि, इलेक्शन के बारे में तू भूल गया क्या? अरे माँ कसम भाई, ऐसा मत बोलिए। पिछली बार क्या हुआ था याद है ना? रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बार अगर जीत गया तो एमएलए की सीट की गारंटी है। मैं एमएलए बन गया तो लाइफ बदल जाएगी तुम लोगों की। वो भरोसा हमें भी है भाई। इस बार मेरे सामने इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है वो एक सर्विसमैन है और उसका राइट हैंड है तेरे एरिया का धर्मा। वही प्रॉब्लम है, अगर इस बार मुझे जीतना है तो इस एरिया का एक भी वोट उधर नहीं जाना चाहिए, समझ गया ना तू? ठीक है भाई, इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। कितना भी खर्चा हो जाए लेकिन जीत मेरी होनी चाहिए, उस धर्मा पे नजर रखना, नहीं तो तू गया। ठीक है भाई। वैसे ये धर्मा है कहाँ? वाह, इतने बड़े घर में रहती है तू? अरे बोरिंग है यार, चल पापा से मिलाती हूँ। ठीक है। हाय पापा। हे, हाय बेटी। पापा, दिस इज माय फ्रेंड धर्मा। आई मेट यू बिफोर ना? मैं सत्या ट्रांसवर्क में ही काम करता हूँ सर। हाउ आर यू? आई एम गुड सर। बेटा इफ यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम। चलो मम्मी से मिलवाती हूँ। माँ। यस बेबी। ये है मेरा फ्रेंड। हेलो, आई एम मनसा। धर्मा। ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम लोग अचानक से मिल गए। मेरी माँ कितनी ज्यादा क्यूट है ना। सत्या। मम्मी, मैंने आपको एक बार बताया था ना, बस में एक लड़का मिला था, औरतों के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था। ओह, जब सत्या ने मुझे ये बात बताई, इट रियली टच्ड माय हार्ट। योर थॉट्स आर रियली डीप। एक्चुअली आई एम वेरी इमोशनल आफ्टर हियरिंग दैट। आई वाज थिंकिंग कि तुम लेडीज के बारे में इतना सोचते हो तो तुम लेक्चरर क्यों नहीं बन जाते? अरे नहीं, वो गलती से फ्लो में निकल गया था मैडम। नहीं यार धर्मा, तुम ये कर सकते हो। इनफैक्ट वहाँ पर बात करने के लिए तुम जैसे लोग ही चाहिए। सत्या, तुम्हारे डैड का बिजनेस ट्रिप शेड्यूल हो गया है, जाकर डायरी लेकर आओ। अभी आती हूँ। धर्मा, क्या करते हो तुम? आपकी कंपनी में मैकेनिक हूँ मैडम। मेरी बेटी का स्वभाव, उसका लाइफ स्टाइल तुम जानते हो ना? हाँ थोड़ा बहुत पता है मैडम। वी आर स्केयर्ड अबाउट हर धर्मा। क्यों मैडम? कभी कभी उसके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका आपस में बिल्कुल मैच नहीं करता। किसी के भी साथ बात करने लगती है, किसी से भी झगड़ा करने लगती है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसी का डर लगता है। लेकिन इस वजह से उसे रोक कर रखना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर उसे यही करने से खुशी मिलती है तो हम कर भी क्या सकते हैं। जब तुम उसके साथ रहते हो तो उसका ख्याल रखा करो प्लीज। हाँ बिल्कुल मैडम। क्या हुआ? ये सब क्या है? क्या सब क्या है? ए, सत्यम ग्रुप चेयरमैन की बेटी है तू, और देख रहा हूँ कि एक पागल की तरह बर्ताव कर रही है। क्या कहा तूने? I am sorry. क्या कहा? I said sorry. क्या कहा तूने, पहले वो बता। पागल। I'm so glad तुमने ऐसा कहा। मेरा ड्रीम ही है पागलों की तरह जीना, मान मर्यादा को निकाल कर फेंक देना। इच्छाओं के बिना ही लाइफस्टाइल है मेरा। क्या कहा? लाइफस्टाइल? You know what? अगर अगला जन्म मिलेगा ना तो मैं पागल ही पैदा होऊंगी। इस जन्म में भी कहाँ सही हो तुम। हाँ? अरे तेरे पापा ने इतना सब कुछ बना रखा है, उसे हैंडल करना सीखना। हाँ, देखो मेरे पास जैसे लोग गवर्नमेंट का टैक्स भरने से बचने के लिए एनजीओ टैक्स के नाम पर धोखा देते हैं, लेकिन मैं अपने पापा के हाथों से सच में एनजीओ को डोनेट कराती हूँ। मैं भी एनजीओ में काम करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है उसमें। क्या है इस अंधेरे में? ए, क्या नहीं है वो बता।
क्यों रोती रहती है? वही प्रॉब्लम है, सब कुछ है। अरे तेरे पास सब कुछ है तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? इसमें सस्पेंस या दिलचस्पी कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही है, क्यों दिलचस्पी नहीं है? तो सुन, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास पैसे ही नहीं होते थे। मैं जो कुछ भी मांगती थी उसे लाने में बहुत टाइम लगता था। उसके लिए इंतजार करने में जो मजा आता था वो एकदम अलग लेवल का था। वो लाकर देने के बाद उस बात की खुशी रोज रहती थी। लेकिन अभी हमारे घर में सब कुछ है। अब मैं जो भी मांगती हूँ मुझे जल्दी से मिल जाता है। और वैसे भी तुरंत आ जाने में वो मजा कहाँ है। खुशी तो बहुत होती थी लेकिन उसकी उम्र बहुत कम होती है। मुझे तभी समझ में आ गया था कि मौज मस्ती ही जिंदगी है। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। साइकिल चलाना, स्ट्रगल करना, वही असली एडवेंचर होता है। मेरे घर में इसके लिए मौका ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपना रास्ता अलग बना लिया। अगर ऐसा है तो जिसमें ज्यादा दिलचस्पी हो वो कर। तू ऐसा कुछ कर जो ज्यादा टफ हो, ऐसे एडवेंचर में हाथ डालना। टफ एडवेंचर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान अपने भविष्य के लिए कुछ भी सोचे तो उसे हासिल कर सकता है। अरे यशवंतपुर जाकर आना जितना आसान है उतना ही मंगल ग्रह जाकर आना। हमसे ज्यादा अगर कुछ पाए तो वो अचीवमेंट नहीं होती, बल्कि जिसमें अंदर से खुशी मिले वो अचीवमेंट होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो एकदम सच है कि तेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। अलग अलग लोगों को देखना, अलग अलग जगहों को देख, पूरी दुनिया घूम ले। इस एडवेंचर में हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं ना। पूरी दुनिया घूमने से पहले हमें खुद को देखना होता है, और वो तब पॉसिबल होता है जब हम अपने अंदर ट्रैवल करेंगे, तभी हम अपने आप को अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। अगर हम अपने आप को ही मिस करके पूरी दुनिया देखेंगे तो क्या मतलब। हम जर्नी पर निकलते तो उसमें जो खुशी मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती, ये बात तो गलत नहीं है, मानती है ना? खुशी ढूंढने के लिए ही हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन आखिर में खुशी का अनुभव कहाँ पर होता है? हमारे अंदर ही ना। इसीलिए हम अपने आप के अंदर ही ट्रैवल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैं ऐसे ही रहूंगी। लेकिन पता है, दुनिया की 100 इच्छाएं पूरी करते करते अगर हमने अपने आप को खो दिया तो समझो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसी बात के लिए मैं खुश हूँ। मैं यहाँ की रॉयल एनफील्ड हूँ और मैं ही डेस्टिनी हूँ। इंटरेस्टिंग। हेलो। आओ भाई। आपके कपड़े रखे हैं वहाँ, कर ले जाना। अच्छा टेलर ढूंढा है तूने। और उसकी चड्डी, इनको देख कर ऐसा लगता है कि ये चड्डी बिल्कुल नहीं पहनते होंगे। ओलमोंग। अब बहुत हंस लिया, चल अभी। ओलमोंग, रुको तो, कुछ तो बोलो ना, इधर आओ। अभी मैंने कारण बॉक्स ढूंढने का प्लान बनाया है। मैं जो ढूंढूंगा उसकी स्पेशलिटी क्या है तुमको पता है? तुमको विश्वास नहीं होगा लेकिन तूने जो खोजा है ना। सोते हुए इंसान के लिए और टूटी हुई जिंदगी के लिए आयरन ढूंढ कर लाना ही मेरे आयरन बॉक्स की स्पेशलिटी है। इन चीजों की दुनिया को बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा बिजनेस पार्टनर इंतजार कर रहा है, बिल भरना होगा। दिस इज वेरी नाइस। अपने बिजनेस पार्टनर को मेरा सलाम कहना। कौन सा बिजनेस पार्टनर? बस बस चलो। नो नो नो, उनके पास जो फ्रीडम है वो तेरे पास नहीं। काय का फ्रीडम यार। देख तो उन्हें। जिंदगी में श्रम नहीं सिर्फ भ्रम है। बड़े बड़े सपने देखना सिर्फ जिंदगी नहीं होती है। कई लोग अच्छे बुरे भी होते हैं। एजुकेशन और हेल्थ फ्री में होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर को भी पेमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल। माँ बाप की जायदाद बच्चों को मिले। पत्नी अपने पति से कभी ना कहे कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हो। मौत से अच्छा कोई आराम नहीं है, श्मशान से अच्छा कोई स्थान नहीं है। जो लगता है उसे सीधा सीधा कह देना, और कोई भी बात छिपाए बिना पूरी तरह फ्रीडम से कह देना। और तो और, खुलकर जीना क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता। मेरी एक इच्छा है यार। तुम भी इनकी तरह करके दिखाओ ना। चलो अभी चलते हैं, जब देखो बकबक करती रहती है। अच्छा वो सब छोड़, आज हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं वो तो बता। मुझे क्या पता, रुको मैं अंकल से पूछती हूँ। अंकल हम कहाँ जा रहे हैं बताओ। अरे क्या ही लड़की है। एक्सक्यूज मी। अरे क्या सत्य, छोड़ ना। ओ सॉरी, तुम्हारे लिए भी एक ले लेती हूँ। वो टेस्ट बहुत बढ़िया है, मेरी माँ चली यहाँ से। बहुत बढ़िया, देखो ना। अरे बाबा तेरे पैर पड़ता हूँ, चली यहाँ से। मेरी बात सुन, तेरे बाप के पास आधा बेंगलुरु खरीदने की क्षमता है, और तू भी ना ये इस तरह से लोगों को सता रही है। अरे इस बात पे तो इतना बोल रहा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आजा आजा। क्या हुआ भाई, आपने बुलाया मुझे? धर्मा,
कॉरपोरेशन का इलेक्शन अनाउंस हो गया है। पता चला है भाई। इस बार क्रांति सिन्हा के सामने एक सच्चा और ईमानदार आदमी खड़ा है, मैं उनको ही सपोर्ट कर रहा हूँ। इस साल कौन जीतेगा ये डिसाइड होगा तुम लोगों के वोट पर। आप चिंता मत करो भाई, एरिया का बोर्ड यहाँ वहाँ पर जाने ही नहीं देंगे, पूरा ख्याल रखेंगे हम। वो सिन्हा कह रहा था कि पैसों के बल पर जीत जाएगा। हमारे लोग पैसे लेते हैं लेकिन वोट तो सिर्फ मालिक को ही देंगे ना। मुझे पता है धर्मा, तुम्हारे लोग मुझे धोखा नहीं देंगे। वो सिन्हा हारना चाहिए। हारेगा, हम हराएंगे उसे। अबे सुना है तूने कहा कि मेरे एरिया में वोट मांगने मत आना, तेरा दिमाग तो ठीक है? ठीक है, देखो इस बार हम लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। अच्छा? पिछले साल दिया था लेकिन तुम लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस बार हमारे एरिया वालों ने फैसला किया है, हम लोग मालिक को ही वोट देंगे। तुम लोगों को जो करना है कर लो, जाओ निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? किसे पता। अरे क्या हो गया इसे? अरे क्या हो गया? चिल्ला रही है। अब ये क्या है? अरे मुझे अभी ख्याल आया कि मैं सिर्फ 5 मिनट ही जिंदा रहूंगी, फिर मैंने सोचा कि मैं 5 मिनट क्या कर सकती हूँ, और वैसे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तेरे दिमाग में बस ऐसे ही थॉट्स आते हैं क्या? अंकल गए थे क्या? कहाँ पर बेटी? क्या बेटी सुबह सुबह मजाक कर रही हो? क्या किसी को भी सताती रहती है? चुप रहना, आंटी आ रही है, उनसे पूछते। आंटी ये क्या सुबह सुबह बीच रास्ते में लड़की का मुंह बंद करके रखा है? हाँ बेटा। आंटी मैंने सुना कि आपने जाना छोड़ दिया। कहाँ पर बेटी? तो पागल लड़की है। यही सब सुनना था क्या तुमको? कहाँ फंस गई? मैं सच कह रही हूँ, हर रोज एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो हम ये सोच ले कि हमारे ये 5 मिनट ही बाकी है और इन्हें ही हम खुल कर जी ले तो जीने का कॉन्फिडेंस मिलता है। देखा ना तूने कैसा था? बहुत अच्छा था। ए, सुनो सुनो, अभी तो सोच कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए जिंदा है, सोचना। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जिंदा रहूंगा और इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। तुम चलो यार यहां से। मेरी बात सुन, तू सच बता, सच में जा रहा है ना? कहां पर? देखना। क्या देखूं? हमारे आजू बाजू कितनी खुशी है ना, हम एक रेडियो बनाना चाहिए। क्यों, यही एक चीज बची थी क्या? बेसिकली रेडियो में अगर गाना नहीं होता तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके अपनी पसंद का गाना नहीं सुन पाते। जो हमें अपनी जिंदगी के लिए चाहिए हमें वही करना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का ट्यून है, हमें उसे सेट करना चाहिए। एक बार अगर ट्यून सेट हो गया ना, आहा, तो दुनिया बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर उस समय मौत भी आकर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी ना, तो उसे टाइटली पकड़ के उसे प्यार कर लूंगी। पैसा किसे चाहिए? अरे बाप रे! अरे पैसा किसको नहीं चाहिए, सब लोग तेरी तरह नहीं सोचते हैं। तेरी तरह की कहानी और तेरी तरह की सोच सिर्फ फिल्मों में ही चलती है, रियल लाइफ में नहीं होता। वहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है लेकिन यहाँ पर कार बंगला पैसा बस यही यहाँ की खुशी है। ए, मिडिल क्लास लाइफ ही सबसे बड़ी थ्रिल होती है। ऐसी लाइफ कितनी अच्छी होती है ना? अच्छा ऐसी लाइफ अच्छी होती है। हाँ। चल दिखाता हूँ क्या अच्छा लगता पर? अरे चलना दिखाता हूँ तुझे। माजी कुछ दे दो, माजी माजी कुछ दे दो, माजी क्या चाहिए आपको? भैया कुछ दे दो भैया। अरे तेरी लाइफ तो बहुत बड़ी थ्रिल है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दे ही देगा ना, इसी लाइफ को एंजॉय कर बढ़िया से। अरे मैं पैसे मांग रहा हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हो, दे दो ना भैया। भीख मांगना भी एक थ्रिल है भाई, गरीबी में जीना भी एक थ्रिल है, इसी को एंजॉय करो। अरे कौन है ये, मैं तो भीख मांग रहा हूँ, इसे मजे की पड़ी है, ये तो किसी काम का नहीं है। ओए, गरीबी में बहुत थ्रिल है कह रही थी ना। यार वो इंतजार को एंजॉय नहीं कर पा रहा बेचारा, बहुत बुरा लग रहा है। कुछ तो दे दे हीरो। दीदी आपकी लाइफ तो बहुत थ्रिल है ना, और ऊपर से जो ये गरीबी है ना उसमें एक अलग ही मजा है दीदी, तो एंजॉय करो ना उसे। अरे तेरी लाइफ में तो बहुत थ्रिल है, कुछ तो दे ही दे। दीदी आई लव यू। जिंदगी को लड़का लड़की दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली आप ही हो दीदी। आई लव यू दीदी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। दीदी पैसे? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया बेटी, और कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है ना, अभी जाने दे, गलती मेरी है, छोड़ना। लेकिन तूने जो लड़का लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू कहा ना, वही बस अच्छा लगा सुनने में।
चल अभी ये सारी बातें छोड़, महीने का भाड़ा भरना है, पैसे देने, ये सब की टेंशन तो तुझे नहीं है ना, लेकिन मुझे है। तू एंजॉय कर, एंजॉय कर। कह रहा है वो सही नहीं है, इंसान चाहे जैसे भी जी सकता अरे है। अरे तेरे को कुछ पता नहीं है, जीने के लिए भी एक रास्ता होता समझ है। गए ना? जीने के 100 रास्ते समझ हैं, समझ आया ना? लेकिन 100 रास्तों पर जिया नहीं जा सकता। चलो, समझ गई ना? मेरा समय हो गया। प्यार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सबसे प्यार करना चाहिए। कोई भी किसी से प्यार करे इसके लिए विद्या नहीं चाहिए। सबसे प्यार नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होती है उसमें। प्यार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्यार करने से सब आसान हो जाता है। अब सुना तुमने? क्या टॉर्चर कर रही है? तेरी एज की लड़कियाँ टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में पूरी तरह से एक्टिव होती हैं। लेकिन तू क्यों ऐसी हालत में है? अरे यार, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें खुशी की जगह नहीं है। खुशी तो हमें अपने अंदर मिलती है, मुझे इन सब चीज की जरूरत नहीं। मैं ही मेरे लिए व्हाट्सएप हूँ, मैं ही इंस्टाग्राम हूँ। देख तू ना, हमेशा मेरा दिमाग खाती रहती है। क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है ये? हाँ, शिष्य अभी आया, रुक। डल क्यों लग रहा है तू? बहुत टेंशन है, बोर हो गया हूँ। बोर नहीं होना चाहिए। अरे बोर हो गया हूँ, नहीं होना चाहिए मतलब? तू कभी बोर नहीं होती है क्या? होती हूँ, लेकिन होने नहीं दिया। मतलब? अगर बार बार हम खुद को लेकर बोर होंगे तो प्रॉब्लम ही होगी ना। वो लड़की कैसी है? मेंटल है यार। एक्सप्रेशन से ही पता चल गया, जाने दे यार। समझ में आया कुछ? छोड़ दो रवि, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर चाहता है कि ये वीडियो वायरल ना हो तो तू और तेरे एरिया के सारे वोट सिन्हा भाई की तरफ आने चाहिए, समझा ना? और अगर पलटी मारी तो तू गया, इसी दुनिया में तुझे नर्क दिखा देंगे, समझ गया ना तू? चल। Na na na.
पगली, अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किसे पता। ये कौन है पता है क्या तुझे? नहीं। तो तू उसे देखकर हंस क्यों रही है? हंसने के लिए पहचान होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए क्या? अरे हंसने में क्या गलती है, कोई अपराध किया है क्या? अपराधी है। अरे वो बेचारा अपने हिसाब से कुछ तो सोचते हुए जा रहा होगा, उसे देख के हंसकर ये कौन है सोचकर सिर खुजाने लगना, ये अपराध है। अच्छा तू उसकी लाइफ को देखकर बहुत खुश क्यों हो रही है रे? अरे यार तू पता नहीं हर वक्त डेड क्यों फील करता रहता है। अभी सुन यार, खुद को खुश रखना समाज सेवा जैसा ही होता है। हम खुद में खुश रहें ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसी तरह हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे हंसने से किसी और को खुशी मिलती है तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी एक खुशी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, समझ गए ना? क्या बकवास कर रही है ये? अगर घर में रहना तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, आसपास सब बैचलर लड़के रहते हैं। सुनिए जी, अरे सुनिए तो, कब से वो लोफर मुझे ही देखकर हंसता जा रहा है जी। मेरी बीवी को देखता है तू? इतना मारूंगा कि शक्ल बिगड़ जाएगी, समझा कि नहीं? क्या बात करनी उससे, चलिए। ऐसे लोफर तो घूमते ही रहते हैं। देख लिया ना, लड़कों पर तो कोई भरोसा ही नहीं करता। देखा ना, समाज सेवा करने के लिए गया था और उसने मेरे साथ क्या किया। जिनसे जान पहचान नहीं है उन्हें देखकर हंसना अपराधी होता है। अरे ये कैसे अपराध हो सकता है, उन्होंने अपने लेवल से ही बिहेव किया ना, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन तो सही था। ये हंसी के पीछे का जो उद्देश्य होता है ना, ये हमारे देश के लोग नहीं जान सकते हैं। बात करती है, ये उनकी गलती है यार, हंसने वालों की नहीं। नहीं नहीं गलत ही है। गलत नहीं है, गलत ही है, गलत नहीं है, तेरी माँ की गलत है ना। अच्छा क्या, चलो शंकर भाई के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। स्वर्ग की दारू। शंकर भाई ये क्या बोल रही है? बच्चों इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर भाई ये ऐसा कह रही है कि हम किसी को भी देखे तो हंसना चाहिए, ताकि उन लोगों के दिलों को शांति मिलेगी, और वो एक तरह से समाज सेवा ही होती है। ये जो बोल रही है सही है क्या शंकर भाई? और क्या, तू किसी को भी देखता है तो अपना मुंह बना लेता है। तूने ऐसा क्या किया है जो वो तेरी ऐसी शक्ल देखे? सोसाइटी के प्रेशर से परेशान लोगों को अगर स्माइल वाली पेन किलर दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? बोलो शंकर भैया। हाँ बेटी, तुम जो कह रही हो सच है, 100% सच है। ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। मैं कुछ और ही कह रहा हूँ भाई, रास्ते से जा रहा इंसान कुछ भी सोच रहा होता है, अगर उसे देखकर हम लोग हंस देंगे तो उसे खुशी मिलेगी क्या, बताओ आप ही। देखा था ना, मैंने खुशी के लिए आंटी की तरफ स्माइल करके देख लिया तो उसका क्या नतीजा हुआ? तेरी गलती है, स्माइल कैसे करते हैं तुझे पता होना चाहिए। स्माइल किस तरह से करते हैं? किस तरह से कहूँ, पहले तो ऐसे करते हैं। यही सब करने के लिए ना कहता हूँ मैं। सॉरी माय बैड। फालतू में किसी को भी देखकर हंसने लग जाना और लाल चिट्ठी को अपनी बॉडी पर चढ़ा लेना, दोनों एक ही बात है। क्यों शंकर भाई, बोलो ना। करेक्ट, तूने सच कहा, 100% सच कहा। जब लोग ऐसे हो तब ऐसा ही होना चाहिए। इस बात का क्या भरोसा, मैं नहीं करती हूँ, तुम कुछ भी कर लो। जब हम खुश हैं तो दूसरों को खुश रखना हमारी ड्यूटी है, लेकिन वो खुश नहीं हो रहे तो ये उनकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या कहते हो शंकर भैया? बिल्कुल नहीं, तुमने सच कहा, 100% सच। जब ये है तो वो होना ही चाहिए। शंकर भैया, हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हो? मेरे बाप की कसम, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? माँ कसम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात पता है। क्या पता है आपको? तुम दोनों रोज आपस में झगड़ा करते हो, दूसरे दिन आराम से रहते हो। मतलब तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। प्यार, वो भी इस मेंटल से। अरे क्या शंकर भाई, आप दारू पी के कुछ भी बोलते रहते हो। ये चल भाई यहाँ से, पीने के बाद ये कुछ भी बात करते रहते हैं। चलो चलो। बाय शंकर भैया। ओके बाय, लव बर्ड्स, गुड नाइट। मुझे घर जाना है। ये बात सुन के मुझे कितना अच्छा लग रहा है पता है क्या तुझे? इतनी जल्दी शांति मिल जाएगी मैंने सोचा नहीं था। वैसे भी आगे ऑटो स्टैंड है, चल तुझे वहां पे ऑटो में बिठाता हूँ, चल। आराम से मेम साहब। ये तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? किसके घर के कंपाउंड पर चढ़ने गई थी? पैर के नीचे केले का छिलका आ गया था, दिखाई नहीं दिया। अब मैं कुछ दिन के लिए आराम से रह सकूंगा। सुकन्या। हाँ मेम साहब, आती हूँ। जरा इन्हें पकड़िएगा भैया।
ए, मैं तुझे ढूंढ रही थी, अर्जेंट काम है, जल्दी जाना है, जल्दी बैठ। ए, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ, क्या अर्जेंट काम है? अरे तो चल तो सही। हेलो हेलो, धर्मा बोल रहे हो ना? हाँ। मैं बोल रही हूँ सत्या की माँ। हाँ बोलो आंटी। सत्या अब तक घर नहीं आई है, जरा पता लगाओ कि कहाँ है। ए, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, और सुबह से तू यहीं पर बैठी हुई है क्या? ए, सत्या, तू उस बाकड़े पर क्यों बैठी थी पागलों की तरह? मैं पागल हो गई हूँ इसीलिए। अरे वो पुराना रोग है, कुछ नया हो तो बता। तू बात मत कर मुझसे, सब तेरी वजह से हुआ है। क्या? तेरी तो अरे, अरे छोड़ मेरे बाल, अरे छोड़ना। आंखें देख नहीं पा रही है ये। तू ना पागलों की तरह ही बहुत अच्छी लगती है, चल निकल। आ गई, अच्छे कपड़े पहन ले। कोई खिचड़ी पक रही है क्या तेरे में? चलो रे। सत्या, वो तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है क्या? पता नहीं यार। पहले तू वो बात पता कर। आई थिंक वो भी तुझसे प्यार करता ही होगा। कैसे पता करूं? सत्या, आजकल के लड़के जिस लड़की से प्यार करते हैं, अगर वो किसी दूसरे लड़के से बात करेगी तो उन्हें बहुत जलन होती है। They are very possessive in that matter. Try कर। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर दो मिनट में नहीं हुआ। धर्मा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों ने शादी करने की सोची है। ये इतना क्यों हंस रहा है तू? ये तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे ये बंदर जैसा लग रहा है। चल बे, छपरी निकल यहाँ से। ए रुक जा बे। ए, क्यों भगा दिया तूने उसे? किसी और लड़के से तुझे प्रॉब्लम क्या है? ए, तू खुश रहे, यही मेरी इच्छा है बस। लेकिन लड़का एकदम बॉडी बिल्डिंग वाला होना चाहिए, और वो देख कैसे भाग गया तेरे को छोड़ के। अगर मैं किसी और लड़के के साथ रहूंगी तो तुझे जलन होती है ना? अरे मैं क्यों जलूंगा, तू बोलती है तो उसको दोबारा बुलाता हूँ। ए, सड़क चाप। ए, नहीं, 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 रहने दे, रहने दे, रहने दे। ए, गुरु, एक चाय देना, सर दर्द करने लग गया यार, चाय पी के निकल जाएगा। ए, क्या हुआ, तूने कॉल किया था? कल हमारे एनजीओ की तरफ से कल्चर डे कर रहे हैं, और हम वहाँ पर सारे अपाहिज बच्चों को बुला रहे हैं, उन्हें खुशी दिलाने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, ऐसे कामों में आप हमारा इस्तेमाल आराम से कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, मेहनत मत करो, बस आकर अटेंड कर लेना। बाय। हे शंकर भैया को भी लेकर आना। क्या मस्त है ना, देखना। हेलो, बोल। धर्मा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बैक स्टेज पर आना। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। रुका, अभी आया मैं। क्या हुआ, क्या बात है? सारे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक टीम बुलाई थी, और अभी अचानक से प्रॉब्लम हो गई है और वो अभी नहीं आ रहे। बच्चों को निराश करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज कुछ करो ना धर्मा। अरे अभी तुम सर्टेन नहीं बताओगी तो क्या हो सकता है? तुम लोग भी ड्रामा करते हो ना, बस आधा घंटा कर दोगे तो काफी होगा, प्लीज कर दो ना। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम शुरू होने में और कितना टाइम है? 25 मिनट बचे हैं। ठीक है, हम सब लोग ट्राई करेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो डांटना मत। नहीं डांटेंगे, लेकिन प्लीज कुछ करो। क्या हुआ भाई? अरे सब लोग बैक स्टेज पे आ जाओ। पर किस लिए? ठीक है, हम लोग आते हैं। चल चल, भाई का फोन है, बैक स्टेज पे बुला रहा है। क्या हुआ? अरे चल ना, कुछ अर्जेंट है, तुम सब कुछ यहीं पूछ लोगे क्या? चल चल, आओ ना। भाई का फोन है, अर्जेंट। क्या हुआ भाई? अरे यहाँ प्रोग्राम करने वालों ने मना कर दिया, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। गुरु, सडनली कहोगे तो कैसे कर पाएंगे यार? अरे वो पीडी की स्क्रिप्ट थी ना, वही कर लेते हैं। अरे यार, ना ही रिहर्सल हुआ है, ना ही डायलॉग, ना ही म्यूजिक रेडी है। उसमें एक लेडी कैरेक्टर भी चाहिए, एक ओल्ड कैरेक्टर भी चाहिए। भाई तू ये कैरेक्टर कर ले। अरे कोई डायलॉग वायलॉग नहीं है, खाली तेरे को लिप मूवमेंट करना है बस। और आपके लिए भी कैरेक्टर है, उसमें भी डायलॉग नहीं है, और कौन करेगा? आई विल डू। सुबह तेरे मोबाइल में लिरिक्स है ना? हाँ है मेरे पास। हाँ तो वो सत्या को दे दे, वो देख लेंगे। अरे यार, एक उम्र वाली भी कैरेक्टर चाहिए। उम्र वाली?
अच्छा हाँ एक है, मैं लेके आता हूँ, तब तक एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट। कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी कौन देखेगा? अरे यहाँ पर एक माइथोलॉजिकल शो हुआ था, कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टीज कपड़े सब कुछ छोड़कर गए हैं। सुपर आइडिया, सुपर आइडिया करते हैं। चलो भाई तू साउंड सिस्टम का देख लेना, ठीक है? तो चलो चलो ठीक है, चल लेंगे, तब तक प्रैक्टिस कर लो। चलो प्रैक्टिस कर लो। बाप रे इतना सब कहना है? अरे यार बोले आइए ना, टेंशन मत लो, बढ़िया एक्टिंग करेंगे आपसे। हाँ मैं समझ गई। शंकर भैया आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है? मैं बचपन से हीरो बनना चाहता था। ट्राई करना चाहिए था ना, अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे थे लगता है। अगर तुम लोग ऐसे हंसोगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे यहाँ शंकर भैया, सॉरी 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 सॉरी। मेरा भी भाई। हाँ ओके देन, सब लोगों ने डायलॉग सुन लिया ना? डायलॉग क्या है, एक्टिंग कैसे करनी है, इस बात की कोई चिंता नहीं करेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो और जस्ट बिहेव करना। सिर्फ एक कंडीशन है, बात यह कि इंग्लिश को अवॉइड करना है। शंकर भैया मैं आपको डायलॉग्स बताता हूँ, कॉस्ट्यूम का तुम लोग देख लेना, मैं प्रॉपर्टी लेकर। अरे सुपर यार, अभी मैं ब्लॉकिंग करूंगा, वही फाइनल होगा। ओके ना? मेरे प्यारे दर्शकों, अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालकर कार्यक्रम का अच्छी तरह से आनंद लें, यही मेरी आप सबसे विनती है। यार क्या हुआ? मैं अब तक इन छोटी छोटी खुशियों से अपरिचित था सत्या, थैंक यू सो मच। ए पागल, चलो अगर दूसरों को देखकर एक इनोसेंट स्माइल ना दे सको और किसी दूसरे को थोड़ा सा भी प्यार ना कर सको तो वो इंसान इंसान नहीं है। अन्नपूर्णा, देखो ये नजर ही नहीं आ रहा है। अरे इस टाइम पर क्यों सिल रहे हैं? जरा इसे सिल दोगी क्या? ठीक है। धर्मा खाना खा ले बेटा। मैंने आज तक अन्नपूर्णा जी को और रामाराव जी को एक स्माइल तक नहीं दी। आता हूं। कितने दिन हो गए उसे ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। प्यार जो होता है ना LIC की तरह होता है, बेनिफिट अगर चाहिए तो इंजरी होना जरूरी है। डर मत जा, कह दे आज। यार तुझे क्या हुआ ये बता, वो प्यार है कि नहीं ये मैं बताऊंगा। जब भी मैं उसको याद करता हूँ या जब वो मुझे याद आती है तो एक अलग तरह की खुशी मिलती है। हमें वो मिलने के बाद वैसे ही लगती है। और बताना, वो जब आंखों के सामने होती है ना तो चुप चुप कर उसे देखने का मन करता है। सनी लियोन को देखकर वैसा ही लगता है यार। कुछ और बताना यार, अगर उसे किसी और ने देखा ना तो उसको मारने का मन करता है यार। हमारी बहन को अगर कोई ऐसे देखेगा तो हमें भी वैसा ही लगेगा यार। कुछ और बताना यार। देख यार दिमाग मत खराब कर, डरने की कोई बात नहीं है। और सुन, तुझे अगर डर लगता है ना तो मुझे सत्य समझ कर बोल दे यार। अच्छा है। एक बार ट्राई कर ले यार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे नहीं यार, ये तो बहुत ही टॉर्चर हो रहा है रे। क्या कह रहे हो यार, बस करो यार। चल यार तू, मैं इधर घूम जाता हूँ, तुम मुझे प्रपोज करो। हाँ ट्राई करो गुरु, ट्राई करना। क्यों यार छोड़ ना, एक बार ट्राई कर, ट्राई करो, ट्राई कर यार, करो ना भाई। अरे यार ये सब क्यों करा रहे हो तुम लोग मुझसे? अरे ऐसे नहीं, भाई पोकर हो जाएगा मेरा, भाग के चली जाएगी। एक मिनट वापस, एक बार वापस करो, एक बार और करो, चुप रहो यार। करो ना गुरु, मत भाई, एक बार फिर से ट्राई करना, एक बार करो, करो ना गुरु। सत्या
बोलो राजा। कमीना तुम लोग बिना उसके साथ मिलके तुम लोग भी ऐसे कर रहे हो क्या? मस्ती कर रहे हो मेरे साथ? हाँ मस्ती कर रहे हो, तुम्हारी जान का। यार बताया क्या? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ यार, जाकर बोल देना। अरे बस ही नहीं आई यार। यार चाहे कुछ भी हो जाए आज बोल के ही रहना। बोल दूंगा यार, तू फोन रख पहले। डर लग रहा है स्नेहा, तू भी साथ में चलना। देख ऐसा नहीं हो सकता, हिम्मत करके जा और उसे बोल दे। बोल दिया क्या? अरे टेंशन क्यों दे रहे हो यार तुम सब लोग मुझे। देख भाई यार चाहे कुछ भी हो जाए आज तुझे बोल के ही रहना है। आज ही बोल दूंगी स्नेहा। बोल दिया क्या? अरे अभी तक बस नहीं आई तो बोलूंगा कहाँ से बे। अरे यार बस नहीं आई तो उसके स्टॉप पर जाकर बोल दे। अरे बोल दूंगा बाबा, पक्का बोल दूंगा। चल फोन रख। मतलब कि तुम नहीं बताओगी ना? नेहा तू भी चलना प्लीज। अरे यार बस नहीं आई तो उसके स्टॉप पर जाकर बोल दे। अरे ऑटो ऑटो ऑटो। सत्या, धर्मा के स्टॉप से तू चढ़ रही है? धर्मा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? हाँ ठीक है। हाँ ये लो टिकट। शाम, कितने दिनों के बाद मिले तुम यार। 9 साल हो गए मुझे दुबई गए हुए। परसों ही आया हूँ मैं यहाँ लौट के। तुझसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। चल घर चलते हैं। अरे नहीं, फिर कभी मिलते हैं यार। अरे चल ना यार, इतने दिनों के बाद मिला है, घर भी नहीं जाएगा, आज तो जाना ही पड़ेगा। अरे भाई एक इम्पोर्टेंट काम है, मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना। माले भाई, इस रेंज तक सेटल हो गया है तू? हाँ तो ठीक है ना बेटा धर्मा? हाँ, तुम्हारे पापा अन्नपूर्णा दीदी सब लोग ठीक है? हाँ, ना सब लोग अच्छे हैं। आप लोग कैसे हो? हम लोग भी ठीक हैं बेटा। भगवान हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं बेटा। तुम्हें तो पता ही है जब हम उस एरिया में रहते थे हम लोगों ने कितनी तकलीफ उठाई, सर उठाकर नहीं घूम पाते थे, इसलिए छोटे बच्चे को लेकर निकल कर आ गए। आज हम लोग इस मुकाम पर है इसका कारण ये मेरा बेटा ही है। माँ, उमा, ये सब बातें अब क्यों? जाओ खाना रेडी करो। अरे मैं भी ना खाना रेडी करती हूँ, आप लोग बैठ जाओ। अच्छा तुम दोनों बातें करो, ठीक है? अगर मैं सच कहूँ तो मेरी इतनी अच्छी स्थिति की वजह तुम ही हो धर्मा। ए, अरे मैं कहाँ से यार। तुम मुझसे हमेशा एक बात कहते थे, याद है ना तुम्हें? कौन सी बात रे? पैरों से चलेंगे तो इंसान, और अगर कार से चलेंगे तो बड़ा इंसान। उस बात ने जिंदगी के बारे में सोचने का मेरा तरीका ही बदल दिया। सोच ही अलग हो गई। लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर मैं दुबई पहुंचा। शुरू में जो भी काम मिला वही करके सरवाइव किया मैंने, और अब मेरा खुद का बिजनेस है। तेरी एक बात ने मुझे सड़क से उठाकर यहां पर पहुंचा दिया। जानता है धर्मा, मनस्थिति ही परिस्थिति होती है। अगर मनस्थिति बदल दो तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। ये बात मैंने तुम्ही से सीखी। तेरी जिस बात ने मुझे इतना बड़ा बना दिया वही बात तू भूल गया। तुझे भी बड़ा बनना होगा धर्मा। अरे यार
तू अभी आया? हाँ यार, गुरु, तुमने तो बम्पर लॉटरी जीत ली है, सत्यम ग्रुप के चेयरमैन की बेटी को पटा लिया है। तुझे आखिर क्या करना है, कोई और बात हो तो बात कर। ए, हमारा दोस्त लाइफ में सेटल हो रहा है, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ये लड़का लड़कियों के पैसे पर सेटल नहीं होगा ऐसा बोला था ना, लेकिन अब देखो ना। क्या बोला तू? छोड़ दे। क्यों मार रहे हो गुरु, क्यों मार रहे हो? क्या गलत बोला मैंने? तुम्हारी ही कही हुई बात मैंने आज कह दी तो गलत लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा रूल अलग है, हमारा रूल अलग है क्या? अभी क्या करोगे, मारोगे क्या? ये लो मेरे जूते से मुझे मारो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे और मेरे बीच में लव नहीं है, फ्रेंडशिप है। मान गए ना? मान गए ना? बात करने में क्या गुरु, सब बात कर सकते हैं। चलो अपनी ही बात पर खरा नहीं उतरे, वो इंसान इंसान होता है क्या? तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते गुरु। मेरे प्यार में और उसके प्यार में फर्क नहीं है क्या? अरे क्या बात कर, छोड़ दे यार, तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है? चल चल चलते हैं। अरे क्या हुआ इस टाइम पर? मम्मी पापा को बता कर तो आई हो ना? मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। कौन? वो बंदर का खेल खिलाने वाला? अरे नहीं। तो फिर कौन? वो मेरे पहचान का लड़का है, इनफैक्ट अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। पहले पहले जब मैं उसके साथ रहती थी तो खुशी मिलती थी, लेकिन अभी वही मेरी खुशी बन चुका है। अब मैं उससे एक पल भी दूर नहीं रह पाती हूँ। मैंने कुछ कर गुजरने को ही जिंदगी मानकर जिया। अगर वो मिल गया तो जिंदगी जीने का मजा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास लड़का है, स्ट्रगलिंग लाइफ है। कुछ भी पाना है तो लड़ना पड़ेगा। उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ में मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। जब मैं उससे कहूँगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो फिलहाल पैसे नहीं है डार्लिंग, बाद में दूंगा, वो ऐसा कहकर इंतजार करवाएगा। मुझे वो लाइफ जीनी है। वो भी अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को पसंद करता है, क्या वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगा? उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता ना तो बिल्कुल नहीं अपनाता। तो मिडिल क्लास लड़के की स्ट्रगलिंग लाइफ को पसंद करती हो, लेकिन वो तो उस लाइफ को हेट ही करता होगा ना। मैं एक मिडिल क्लास लड़का होने के नाते कह रहा हूँ, उसके लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, बेइज्जती, निराशा और उसका लेवल क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। और किसको पता कि तुम उसके साथ कौन से लेवल पर प्यार करने वाली हो? बड़े रेंज की लड़की खुद ब खुद आकर बोलेगी तो मानने वाले लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे जैसे कुछ लड़कों के लिए प्यार से ज्यादा अपना सपना इंपॉर्टेंट है। फुटपाथ पर रहकर खाना खाकर खुश रहना ये सब लोगों के लिए मुमकिन नहीं है सत्या। रानी की तरह जीने का मौका होने के बावजूद भिखारी की तरह जीऊंगी ये तुम्हारा उद्देश्य? एक फ्रेंड होने के नाते मुझे पसंद ही नहीं आएगा? और ये सब क्या तुम्हें जो लड़का प्यार करता है उसको पसंद आएगा? और तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि एक ही लाइफ है तो हमें अपनी मर्जी से जीना चाहिए, लेकिन प्यार में पड़ने से ऐसा नहीं हो पाता, किसी ना किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। फ्रेंड होने के नाते एक बात बताता हूँ, सुन लो, तुम एक लड़के के लिए अपने आप को बदलना चाहती हो, क्यों ना तुम उस लड़के को पसंद कर लो जो तुम्हें ऐसी एक्सेप्ट कर ले, तभी तुम खुश रह पाओगी। अभी टाइम क्या हुआ है? रात के 2 बज रहे हैं अभी। डेट? फर्स्ट मंथ अप्रैल। मेरा तो पहले ही फूल बनाने का काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। अप्रैल फूल? हाँ। इन लोगों को कैसे समझाऊं मैं कि इससे पैसों के लिए प्यार नहीं करता मैं? बड़ा इंसान बनना ही मेरा सपना है, और वो सपना सत्या की वजह से डिस्टर्ब हो ये मुझे पसंद नहीं, और मेरे सपने को वो पूरा करे ये भी मुझे पसंद नहीं। अपनी लाइफ में सब कुछ मैं अपनी मेहनत से करूंगा। सत्या क्या हुआ यार? कानून से हम बच सकते हैं, लेकिन इस प्यार से नहीं बच सकते। केस क्लियर होने तक कितना सहना पड़ेगा सर? सहना ही पड़ेगा धर्मा, कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट है ना। कोर्ट का केस सहना बड़ी बात नहीं है सर, केस की फीस भरने के लिए नापसंद काम करने पड़ते हैं ना, वो सहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। डैडी,
मैं पढ़ाई करने के लिए न्यूजीलैंड जाऊंगी, आप वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्या बात कर रही हो बेटी, ये अचानक कैसे डिसीजन लिया? प्लीज डैडी, मुझे जाना ही है, प्लीज रेडी करवा देना। ओके ठीक है बेटा। बच्चों का ख्याल रखना, पूरा फंड मैं न्यूजीलैंड में रहने के बाद क्लियर करवा दूंगी। बाय। धर्मा, बगल के घर में जगदीश के बच्चे का नामकरण है आज, हम दोनों जाकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को जरूर भेज देना। मैंने भी कहा कि जरूर आएगा, एक बार वहाँ चला जाएगा क्या बेटा? क्या हुआ धर्मा? अन्नपूर्णा जी, मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ है। ये मम्मी पापा क्या होते हैं मुझे इस बात की पहचान ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप ही मेरे मम्मी पापा हो, लेकिन मुझ में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। क्या करूं? फीलिंग्स नहीं है बस। ये पापा मम्मी क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इस बात की मुझे कोई पहचान नहीं है। प्लीज मुझ पर आप लोग अपने इमोशंस खर्च मत करो, भगवान के लिए। दिक्कत बाद में आपको होगी, आपका दिल दुखता रहेगा। मेरे अंदर समझ ही नहीं है। क्यों बेटा ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये हमारा ही बेटा है ना, हम दोनों उसके मम्मी पापा ही है ना। अनुपूर्णा संभालो खुद को। गोयमपुर के चुनाव का परिणाम आ चुका है। श्रीनिवास के विरुद्ध बोरह ने लगभग 2490 वोटों से विजय प्राप्त की है। उन्हें बहुत बहुत बधाइयां। चलो भाई निकलते यहाँ से। कमीनों कहीं के, मुझे बर्बाद कर दिया ना, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। इससे अच्छा होता कि मैंने उस धर्मा को कॉल कर लिया होता। शंकर, ये किस बात की मिठाई है? आज तू बड़ा हो गया क्या? आज क्या स्पेशल है शंकर भाई? आज मदर्स डे है ना, इसलिए। सुना ना, ये अपनी माँ से प्यार करने वाला बच्चा है। अरे तुम, अरे मेरी माँ है, तुम कहाँ पर है? उमली में है ना? नहीं, धारवाड़ी में है। अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं आप? सच कहूँ तो पहले मुझे माँ को देखकर गुस्सा आता था। ग्राउंड में खेलते समय 5 मिनट लेट हो जाता तो सबके सामने से डंडे मार कर ले जाती थी। पेड़ पे अगर चढ़ जाता तो पेड़ पर क्यों चढ़ा इसलिए मारती थी। आप ही बताओ, बिना पेड़ पे चढ़े बंदर का खेल खेल सकते हैं क्या? उसे देखकर दर्द नहीं होता था, लेकिन थोड़ी भी इज्जत नहीं बचती थी, सबके सामने मारती थी। हाँ जानती हूँ, हमारे बच्चों के लिए हमारी इज्जत इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम लोग घर आने में 5 मिनट भी लेट हो जाओगे ना, हमें कितनी टेंशन हो जाती है, तुम लोगों को पता है क्या? बिल्कुल ठीक, आप सही कह रही हैं। लेकिन एक दिन मेरे साथ क्या हुआ पता है? जब मैं छोटा था तब क्रिकेट खेल रहा था, सेंचुरी के लिए 1 रन बचा था और जीतने के लिए भी 1 ही रन चाहिए था, और पता नहीं उसी समय मेरी माँ कहाँ से आ गई। जब देखो क्रिकेट क्रिकेट खेलता रहता है, हम तेरे लिए मरते रहते हैं घर में। चल तेरे पापा को बताती हूँ, चल बताती हूँ तुझे मैं, चल। उस दिन मैं माँ से बहुत नाराज हो गया था, उस दिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। उस गुस्से का बदला लेने के लिए चिंगम में कील लगाकर बीच रास्ते पर रख दिया मैंने। माँ उसी रास्ते से चलकर आई। लेकिन उस दर्द में भी उन्होंने एक बात कही और उसी वक्त मुझे नया जीवन दिया। क्या कहा उन्होंने शंकर भैया? कौन है जिसने बीच रास्ते में ये कील रख दी? अगर मेरे बेटे के पैर में लग जाती तो क्या होता? उस दिन लाइफ में पहली बार माँ का मतलब क्या होता है और उसकी जान की कीमत क्या होती है ये मुझे पता चला। उस दिन वो खुद दर्द में थी
लेकिन मेरे बारे में सोच रही थी। मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हुआ, ये सोचने वाली माँ होती है। सच कहता हूं, पूरे दिल से माँ को बुलाने में ही सबसे बड़ी खुशी होती है। पानी यहां रखा है बेटा। ठीक है मां। हाँ? हाँ? अनाथ लोगों को क्यों इतनी सिंपति दिखाते हो, ये मुझे आज पता चला है मां। पापा मम्मी के लिए क्या फीलिंग्स होती है मैं तो जानता ही नहीं था मां। धर्मा खुद दर्द में होने के बाद भी बेटे को दर्द ना हो, इस दर्द को सहन करने वाली माँ ही तो होती है। माँ मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की, जो मैं तुझे माफ कर। पापा से भी बात करनी है माँ। सोरे मैं भी बुलाती हूँ। नहीं माँ, वो पहले कभी भी शांति से नहीं सो पाए थे, अभी उनकी नींद खराब मत करो, सुबह बात कर लूंगा। आराम से सो जा बेटा। माँ धर्मा, माँ आज मेरा सपना पूरा हो गया बेटा। माँ माँ शब्द में ही एक शांति है माँ। अब तो सो जा, मैं तेरे पापा को बता दूंगी। सो जा। धर्मा पूर्ण चली गई। अरे इसको क्या हो गया यार? वो देखो। सुनिए, इस बस में सफर करने वाले यात्रियों, आपसे मेरी एक विनती है। काका आपको भी मिलाकर बोला मैंने, ठीक से सुन लेना। बक बे, हर एक की जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, कितना भी दिन लगा लो, लेकिन एक को छोड़कर दूसरे को जाना ही पड़ता है। ऐसी ही घटना हमारे दोस्त धर्मा की जिंदगी में हुई है। उनकी माँ स्वर्ग में चली गई है। दुख तो होता ही है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मैं धर्मा के चेहरे पर
थोड़ी हंसी लाने के लिए एक जोक सुनाना चाहता हूँ। अरे देख क्या रहा हूँ, बोलो। अरे जल्दी बोलना। अरे सुनाता हूँ ना। क्या बताएगा? क्या सुनाऊँ मैं, टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार मुझे तो जोक याद ही नहीं आ रहा है। अरे जोक बोलने के लिए खड़ा हुआ है। अरे पागल, फिर हंसाने में कामयाब हो गया। देखो धर्मा, मैं और इस बस में रहने वाले सभी लोग तुम्हारी फैमिली की तरह है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। खुद को अकेला मत समझो। और सुनो, जब भी अकेलापन महसूस हो तो सीधा ड्यूटी पे आ जाना। सब मिलकर दुख बांटेंगे, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच शंकर भैया। पापा के दिए हुए LIC के पैसों से तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर। अभी तक तो वही काम क्यों कर रहा है? मुझे उन पैसों से प्यार नहीं है। वो बस, वो प्यार करने वाले लोग इम्पोर्टेंट है। जानती हो उस बस में एक फैमिली की फीलिंग है मधु, और मुझे उन्हें खोना पसंद नहीं है। क्या हुआ गुरु, ऐसे क्यों बैठे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो गुरु? कितने दिनों तक यही कपड़े पहने रहेंगे आप? इलेक्शन में हार हुई तो हमसे भी नाराज हैं क्या? उस धर्मा को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, बोलिए कि क्या करने से आपको शांति मिलेगी। बस बोलिए, हम वही करेंगे। उस धर्मा को उठाना होगा, उससे अपना बदला पूरा करूंगा। ठीक है गुरु, उठाते हैं उसे। उठा लेंगे गुरु। गुरु, उसे खत्म नहीं करना है, लेकिन बिना प्लान के उसे नहीं उठाएंगे। वो अकेला मुश्किल से रहता है। हेलो शंकर भाई। हाँ धर्मा। क्या हुआ, अभी तक बस नहीं आई? आज के बाद बस नहीं आएगी। क्यों शंकर भाई? पैसों का कलेक्शन कम होने की वजह से बस को कैंसिल कर दिया गया। अब से बस नहीं आएगी। मैं बाद में कॉल करता हूँ। सत्या, जाने के लिए एक घंटा बचा है, जल्दी रेडी हो जाओ बेटा। धर्मा से मिलने का मन कर रहा है। क्या हो गया है सत्या तुझे? उसकी यादों से दूर जाने के लिए ही तूने ये सब किया है ना, उसे देखने के लिए नहीं। जब उसकी माँ चली गई तो मैं चाह कर भी उसको हिम्मत नहीं दे पाई। न्यूजीलैंड चली गई तो ये सब मुझे तकलीफ देगा। एक बार उससे मिल लूंगी तो चली जाऊंगी, प्लीज। सत्या, ये सब सही नहीं है। प्लीज नेहा, प्लीज। 45 मिनट में वापस आना होगा। थैंक यू सो मच स्नेहा। देख, मैं अपनी स्कूटी से चलती हूँ, तेरे घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। स्नेहा, ओ शिट, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया यार। ओ नहीं, ओ माय गॉड, पर्स और मोबाइल हम लोग घर पर ही छोड़कर आ गए। एक मिनट रुक, मैं कुछ करती हूँ। अरे यार भैया, 100 रुपए हो तो दे दोगे? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, 1 घंटे में आपके अकाउंट में 1000 रुपए डलवा दूंगी। प्लीज भैया, प्लीज। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। मैं भीख नहीं दे सकता, यही मेरी औकात है। थैंक्स भैया, 100 रुपए हो तो दे दोगे? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, पर्स और मोबाइल घर पर भूल गए हैं, 1 घंटे में रिटर्न कर दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ भैया। 1 घंटे में आपके अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर करवा दूंगी, प्लीज। आखिर तुम लोग भी जीने के लिए कैसे कैसे नाटक करते हो? चाहिए तो लो, इतने ही है मेरे पास। पैसे की कोई कीमत नहीं होती है क्या? पैसे कितने भी हो, लेकिन पैसे किसे चाहिए ऐसा तुम कह रही हो ना? लेकिन एक दिन तुम्हें पैसों की कीमत समझ में आएगी, ध्यान रखना। सर,
सर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, 100 रुपीज हो तो दे दीजिए, एक घंटे में वापस कर दूंगी। अरे उसे देकर भेज दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, अपने अकाउंट की डिटेल दे दीजिए रिटर्न करने के लिए। उसकी जरूरत नहीं है, जाओ। थैंक यू सर। लगता है घर में कोई नहीं है। सत्या, वो जाते समय भी तुझसे नहीं मिला। जो लोग पसंद नहीं करते हैं, अगर उनके साथ जिंदगी जिए तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। तुम दोनों का दूर हो जाना ही बेस्ट होगा। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, हमें उसे अपनाना ही पड़ता है। तू उसे फोन पर ही हिम्मत दे सकती थी। जाने दे सत्या, प्यार में सभी लोग लकी नहीं होते हैं। देख, तू अपने आप को हर्ट मत कर। चल अब चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। चल चलते हैं यार। यार तेरी गर्लफ्रेंड के बाल मुझे बहुत पसंद आ गए। उसके ऊपर गुस्सा नहीं था, लेकिन तेरे ऊपर जो गुस्सा है ना, इसलिए तेरी जगह उसे उठा लिया मैंने। चल आ जा, कहानी खत्म करते हैं। सॉरी धर्मा, तू जो कह रहा था वही सही है, पैसा ही सब कुछ होता है। यू आर सो रियल, मैं ही गलत तरीके से जी रही थी अब तक। नहीं सत्या, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, वो है तो सब कुछ है और उससे ही सब कुछ है। ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, इन सब में इंप्रेस होकर, अपर क्लास बहुत बेटर है और मिडिल क्लास के लोग कितनी मेहनत करते हैं, सब बोलकर भेदभाव क्यों बढ़ा रही हो? सारे क्लास एक ही होते हैं और वो क्लास खत्म हो जाने वाली लाइफ को बोलते हैं। सब लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान बनकर नहीं जीता। अमीर बनने का सोचा था मैंने, पर यह नहीं समझ पाया कि जीना ही एक अमीरी है। ये समाज हमें अमीर बनने पर पता नहीं क्यों मजबूर करता है। तुम्हें पता, अगर हमारी जेब में 10 रुपए भी होंगे तब भी हम खुश हैं, लेकिन बगल वाले के जेब में 15 रुपए हैं ये पता चलते ही टेंशन स्टार्ट हो जाता है, कंपैरिजन होने लगता है। सेलिब्रिटी बनूंगा ऐसा सोचा था, बाद में पता चला लाइफ को सेलिब्रेट करने वाला ही सेलिब्रिटी होता है। माँ चली गई सत्या, और वो भी माँ क्या होती है ये पता चलने पर। I'm so sorry for your loss, Dharma. Life is so strange. जब हम कुछ होते हैं तो कुछ और पाने की खुशी भी होती है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है, बहुत कुछ पाया है तूने, लगता है बहुत अमीर हो गया है तू। अब आगे से तेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है ये, लाइफस्टाइल की है। लाइफ कैसी भी हो, उसके साथ तो हम अच्छी तरह से ही जी लेंगे ना सत्य। mm-hmm.
ठीक है तो फिर अब मैं चलती हूँ। जो तुम्हें पता है वो मुझे पता नहीं है, और जो मुझे पता है वो तुमको पता नहीं है। तुम दोनों को जो पता नहीं है वो मुझे पता है। भगवान का सब मुझे भी नहीं पता। पता होने पर भी पता है ऐसा सोचते रहते हैं, पता चलने के बाद पता चलता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था। जो चीज हमें पता होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। पता चलने की इच्छा तभी पैदा होती है जब हमें कोई चीज पता नहीं है। जब हमें ये बात पता चलती है, पता चलने के बाद पता न रहने के साथ बहुत मुश्किल होती है। सब कुछ जानने की अर्जेंसी में हमें जानने वाले अपना प्यार ही भूल जाएंगे तो फिर जिंदगी क्या होती है ये समझ में नहीं आता। नहीं पता होगी तब भी कोई बात नहीं, पर ये सब पता ना चले उससे बहुत मुश्किल हो सकती है हमारी जिंदगी में। लेकिन मुझे एक बात तो पता चली गई कि अब उसके साथ ही जीना है, और उसके बिना जीना बहुत ही मुश्किल है। ये बात अच्छे से जान गया हूँ। और मुझे भी अच्छे से समझ में आ गया। हेलो, तुम दोनों पागल हो क्या? तुम लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। ओल्ड मॉन्क ठीक हो गया। आगे चलो। कहाँ? किसे पता। जब तक हूँ तब तक तेरे लिए जीऊंगा, सब कुछ तू ही है, ये जानना ही जिंदगी है। देखो देखो वो परम आनंद देखो। बाप रे। क्या होगा कोई न जाने, कैसे हम खुद को मनाए। क्या है गुरु ये सब? अब हो गए हम अकेले, साया बोले कैसे रोके, खुद ही रोए। अरे बस करो गुरु, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगा। जो भी था छिन गया, अब हम क्या करें, खुद को रोक पाएंगे। ऐसा है गम मिला, अपना जीवन जी न पाएंगे। हाय रे मेरी किस्मत। टिकटॉक बंद हुए बहुत दिन हो गए भाई। ये कहानी लिखे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया।